हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आज आप मेरे साथ हैं विक्रांत बैचले और हम आज दो चैप्टर एक ही क्लास में करने जा रहे हैं। तो क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दो चैप्टर बेसिकली वो दो चैप्टर नहीं है, है क्या कि एक चैप्टर हमारा थोड़ा सा बचा है जिसका नाम है टेंसेस, है ना। तो टेंसेस का एक स्मॉल पोर्शन है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं जो हम आज निपटा देंगे, ठीक है। आपको अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आपको टेंसेस नहीं आए होंगे। जिन्होंने पिछली क्लासेस देखी है वो जानते हैं कि उन्होंने टेंसेस लगभग सारे पढ़ लिए हैं। एक स्मॉल और एक छोटा सा पोर्शन टेंसेस का बाकी है जो हम आज करने वाले हैं। तो भाई आज की क्लास में क्या क्या होगा, सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में करेंगे टेंसेस और इसका रिमेनिंग पोर्शन। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर, तो हम वो पोर्शन आज करने वाले हैं, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ टेंसेस। इसके अलावा वैसे टेंसेस के मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए, पेस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, फ्यूचर कितने तरीके से यूज होता है ये मैंने आपको बता दिया है, इंडेफिनेट, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बाकी जो ऑर्थोडॉक्स टेंसेस है वो तो मैंने आपको सारे पढ़ा ही है। अभी हम आज बात करने वाले हैं एक और चैप्टर पे जिसका नाम है PQRS। इसे आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आज आप करने वाले PQRS, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करने वाले हैं। एंड PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज आप करने वाले हैं मेरे साथ, जो किस पे बेस्ड है, जो PQRS पे भी बेस्ड है और कुछ क्वेश्चन टेंस पे भी बेस्ड है। तो टेंस पे बहुत ज्यादा बेस्ड नहीं है, कुछ एक स्मॉल पोर्शन है जो टेंसेस पे बेस्ड है, नहीं तो सब कुछ PQRS पे आज हम करने जा रहे हैं। तो मेनली ये क्लास PQRS की है आज, ठीक है। टेंसेस का एक स्मॉल पोर्शन है, लेकिन एक चीज और होगी जिसके लिए मैंने आपसे वायदा किया है कि हाँ हमारी क्लास में करेंगे। तो आज आपको भर भर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वोकैबुलरी के, और वोकैबुलरी के आज जो क्वेश्चंस मैं आपके प्यार में लेके आया हूं ना, वो है फिलर्स। फिलर्स जानते हो, जिसे आप फिल इन द ब्लैंक भी कहते हैं। तो कभी उसमें ग्रामर भरने के लिए आ जाती है, कभी वोकैब भरने के लिए आ जाती है। मैंने ज्यादातर क्वेश्चन वोकैब वाले रखे हैं, ग्रामर वाले एक आधी क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन वोकैब वाले रखे और दोनों फिलर्स आज मैं आपको कराने वाला हूं। मतलब ये वोकैबुलरी में आज जो फिलर्स होंगे तो सिंगल भी होंगे, सिंगल का मतलब होता है जिसके अंदर एक ही ब्लैंक हो, सिर्फ एक ही ब्लैंक भरना है, और दूसरे आपके पास डबल फिलर भी होंगे जिसमें दो ब्लैंक हो, आपको दो भरना हो। तो ये रही आपकी आज की तनतनाती हुई क्लास जिसमें आप टेंसेस का रिमेनिंग पोर्शंस, PQRS, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और वोकैबुलरी करने वाले हैं। तो भाई छाती कर लीजिए चौड़ी, बढ़ते हैं आगे फटाफट और बात करते हैं CDS की क्लास की। तो आज टेंसेस के बारे में मैं लिखने जा रहा हूँ, कुछ सेंटेंसेस मैं लिखता हूँ, आपको उसे देखना है और ध्यान देना है कि इन सेंटेंसेस में क्या फर्क है, ठीक है। आई एम अबाउट टू फॉल, ही इज गोइंग टू फॉल, I am falling. They are falling. तो अगर आप इन तीन सेंटेंसेस को देखेंगे जरा मुझे ये सोच के बताइए, मतलब सोच ये दिमाग में, बता तो नहीं पाएंगे, लाइव सेशन नहीं है, कि भाई ये क्या ये फ्यूचर बताते हैं। दे आर फॉलिंग मतलब ये तो अभी की बात है, इज गोइंग टू फॉल का क्या मतलब हुआ, और आई एम अबाउट टू फॉल का क्या मतलब हुआ। क्या मतलब है अबाउट टू जब आ जाएगा, गोइंग टू जब आ जाएगा, ये सिंपल ऐसे बन जाएगा। तो देखिए ये तो आपने पढ़ा है, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर मैं इसके साथ कुछ भी फ्यूचर का लगा देता हूं तो ये हमें नियर फ्यूचर बताने लगता है। ये बताई थी ना बात, ये तो हमें नियर फ्यूचर बताने लगता है।
इस पे मैंने कहा था कि मौसी जी आ रही हैं इस दिवाली, हम नया घर खरीद रहे हैं इस न्यू ईयर पे, ठीक है, या कल हम कार वॉश कराएंगे, तो ये क्या हो गया, ये सारी चीजें क्या है, अभी की बात आप कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा वी आर प्लानिंग अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक, क्या मतलब हुआ कि भैया हम प्लान कर रहे हैं क्या एक हॉलीडे अगले हफ्ते, तो अगले हफ्ते हम क्या प्लान कर रहे हैं, एक हॉलीडे प्लान कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक, तो क्या मतलब हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा फ्यूचर, नियर फ्यूचर, कैसे पता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ आपने लगा दिया कोई भी फ्यूचर का टाइम, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ जब भी आप कोई फ्यूचर का टाइम बताते हैं तो वो नियर फ्यूचर बताते हैं। एक सेंटेंस और दे देता हूं, जैसे आई एम बाइंग अ न्यू बाइक इन दिसंबर, लड़का कह रहा है कि मैं दिसंबर में नई बाइक खरीद रहा हूं, तो आपने फ्यूचर बताया इन दिसंबर, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ अगर आपने फ्यूचर बताया है तो ये क्या बताएगा, आपका हमेशा नियर फ्यूचर बताएगा। तो ये नीचे वाले तीनों सेंटेंस नियर फ्यूचर पे आधारित है, जिसका सिंपल सा फॉर्मेट है, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ कोई भी फ्यूचर का टाइम वर्ड लगा देंगे तो वो नियर फ्यूचर बताने लगेगा, ठीक है। अब बात होती है कि सर ये दोनों क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो गोइंग टू होता है, याद रखिए जो अबाउट टू होता है, अबाउट टू आपको बताता है इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन, एक्शंस जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, अनप्लान्ड एक्शंस होंगे, अनप्लान्ड एक्शंस होंगे, इमीडिएट एक्शंस होंगे, इस पे आपका कोई, आप इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं। जैसे आपने देखा एक लड़की है ना, इसने आज तक कभी नॉनवेज नहीं खाया था, इसने बॉयफ्रेंड ऐसा मिला है कि ये खाता है खूब नॉनवेज, आज ये लोग पहली बार डेट पे गए हैं, ठीक है, तो लड़के को पता नहीं था, लड़की को पता नहीं था, पहली बार मिले हैं, खाए हैं, लड़के ने ऑर्डर किया, लड़का खा रहा है, समझ रहे हो, अलग ही तरह का जानवर लड़की का, लड़की ने इसके अंदर देखा, ठीक है, तो लड़की को क्या हुआ, लड़के ने देखा, अरे अरे ये तो गिरने वाली है, इससे क्या हो गया, ये तो घबरा गई, तो क्या बोला उसने, She is about to vomit, उल्टी करने वाली है भैया, ये तो उल्टी करने वाली है, लड़की को उल्टी आने वाली है, समझ आ रही है बात, तो ये क्या हो गया, about to, immediate action है, लड़की ने प्लान नहीं किया था कि पहली डेट है आज मेरी उल्टी मारनी है टेबल पे, ऐसा थोड़ी होता है कि आपने प्लान किया हो, तो प्लान नहीं किया था उसने, ये क्या है, इमीडिएट एक्शन है, अनकंट्रोल्ड एक्शन है, आप कुछ नहीं कर सकते। या तुमने देखा कि देखो बच्चा है ना कहीं सो रहा है, और कभी कभी देखा होगा ना सोते सोते बच्चे बेड से गिर जाते हैं अगर माएं या उनके माँ बाप ध्यान नहीं रखते हैं, है ना, तो हम क्या बोल देते हैं, अक्सर हम बोल देते हैं द बेबी इज अबाउट टू फॉल, बच्चा गिरने वाला है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इमीडिएट एक्शन है, अनप्लान्ड एक्शन है, ठीक है, कोई मरने वाला है, किसी ने प्लान तो नहीं करा होगा ना कि भाई आज मरना है, तो ये इमीडिएट एक्शन होता है, अनप्लान्ड एक्शन होता है, ठीक है। या जैसे कभी आप महफिल में हैं किसी और, है ना, कहीं पार्टी में है, किसी फंक्शन में है, और आपको छींक आ जाती है, तो आप क्या करते हैं, किसी की प्लेट में छू छींक देते हैं, किसी के मुंह पे छींक देते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना आप, क्या कहते हैं, एक्सक्यूज मी, आप हटते हैं वहां से, कहते हैं एक्सक्यूज मी आई एम अबाउट टू स्नीज, आप ही चाहता हूँ जरा छींक आ रही है, तो प्लान नहीं किया था आपने कि 10 लोगों में खड़े होकर छू कर देंगे, लेकिन क्या है, ये इमीडिएट एक्शन है, अनप्लान्ड एक्शन है, और इसी तरीके से यूज होता है। तो उम्मीद है अबाउट टू आपको समझ में आ गया होगा। आइए वापस आते हैं और समझते हैं कहानी गोइंग टू की। गोइंग टू बड़ी ही मजेदार चीज है, और इसको समझाने के लिए मुझे गोइंग टू बड़ी मजेदार चीज है, तो इसको समझाने के लिए ना मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। तो देखो भाई गोइंग टू कितना आसान है, तो ये जब भी आप गोइंग टू कहते हैं तो अगर गोइंग टू के बाद आप नाउन लगा देंगे तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, समझ पा रहे हो, उसमें कुछ है नहीं, उसमें नाउन आ गया तो बस। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग, जैसे मैंने कहा
गोइंग टू, अब मैं कोई भी नाउन लगा दू, जैसे मैं कहूं आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू जिम, ठीक है, आई एम गोइंग टू हर हाउस, तो ये यहाँ पे गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया कि मैं अभी जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, मंदिर जा रहा हूं, जिम जा रहा हूं, उससे मिलने जा रहा हूं, उसके घर जा रहा हूं, वट एवर, तो ये क्या हो गया, आई एम गोइंग टू, ये कौन सा एक्शन हो गया, ये बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, टेम्पल, जिम, हाउस सबके लिए आप यूज कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, अब ये कब है, जब आपने गोइंग टू के साथ नाउन लगा दिया। लेकिन अगर आप याद रखिए, दूसरे पेन से बता रहा हूं, कि अगर आपको मिल जाए गोइंग टू और गोइंग टू के साथ लगी हो वर्ब, तो भाई ये बताता है प्लान्ड एक्शंस इन नियर फ्यूचर, आने वाले करीबी कल में जो एक्शंस आपने प्लान किए हैं वो, लेकिन उसकी एक शर्त है कि इसके साथ वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने कहा ही इज गोइंग टू कंप्लेन अगेंस्ट यू, नहीं समझे, कहने का मतलब है आज बड़ा अच्छा फंक्शन चल रहा है, तुम अपने ऑफिस में हो, एक लड़की आती है एकदम मोर बन के, मतलब बहुत ज्यादा उसने मेकअप कर रखा है और मतलब जबरदस्त वाले, तुम समझ रहे, एकदम ढिंचक वाले कपड़े वपड़े पहनकर आती है, और तुमने उसे देखा, तुमने कहा अरे क्या बात है, तुम तो मोर बना ही हो, है ना, तो तुमने ऐसा कुछ बोल दिया, उसको कुछ बुरा लग गया, है ना, मतलब होते हैं लड़के बेचारी छोटे दिल की होती है, बुरा मान जाते हैं किसी बात का, अब लड़के को तुम, लड़के को तुम कुछ भी कह दो, तुम लड़के से कह दो तू कंजर लग रहा है, वो कहेगा हाँ कंजर लग रहा हूँ तू, तेरे से मतलब, है ना, तो लड़का ऐसे बोल देता है, लड़के को इतना फर्क नहीं होता, मतलब यूजुअली ना लड़के और लड़कियों की जिंदगी थोड़ी सी अलग होती है, जो लड़कियां होती है ना उन्हें, उनके लिए प्राइड और क्या बोलते हैं एस्टीम, ये बड़ी मैटर करती है, क्योंकि उन्हें बचपन से सब प्यार से बात करते हैं, है ना, बेटा पढ़ लो ना, बेटा आप तो अच्छे बच्चे हो ना, आपको दूसरों के घर जाना है, अच्छा करना है, है ना, टीचर भी तुमने देखा स्कूल में अच्छे से बात करते हैं लड़कियों से, ना सर लड़कों से इधर खड़ा हो जा मुर्गा बन, ठीक है, कान इधर ला, बाल इधर ला, कोई चीज़ तुम्हारी ऐसी नहीं है जो खींची ना हो, तो सब कुछ तो तुम्हारा खींच दिया जाता है, बाल हुआ, कान हुआ, ना कोई, है ना, थप्पड़ लाते घूसे, सब मजबूत होते हैं हमारे टायर की तरह, तो इतना हमें फर्क पड़ता नहीं। तो शी इज गोइंग टू कंप्लेन अगेंस्ट यू, तो लड़कियां क्या करती हैं अक्सर, इसलिए तुम्हारी बदतमीजी की कंप्लेन कर देती हैं, तो गोइंग टू का क्या मतलब है, प्लानिंग, शी इज प्लानिंग टू कंप्लेन अगेंस्ट यू, या शी विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, ऐसा वाला सेंस देगा, तो ये भी फ्यूचर बताएगा, ठीक है, कैसा, लेकिन ये प्लान्ड फ्यूचर है। जैसे मैं कहूं आई एम गोइंग टू स्टार्ट A new business. क्या मतलब हुआ कि मैं एक नया बिजनेस शुरू करने वाला हूं, या आई विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यही मतलब हुआ इसका, क्योंकि गोइंग टू के बाद वर्ब लगी है, और जब गोइंग टू के बाद वर्ब लगती है तो वो प्लान एक्शन दिखाता है नियर फ्यूचर के। तो यहाँ पे उल्टी होने की बात नहीं है, यहाँ पे छींकने की बात नहीं है, यहाँ बच्चे के गिरने की बात नहीं है, ये सीरियस मैटर्स होते हैं, है ना, जिनको आप प्लान करके करते हैं। जैसे They are going to invest in the share market. क्या मतलब हुआ कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, है ना यार, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट, आगे बात समझ। तो यहाँ पे भी ये प्लान्ड एक्शन है, ऐसा नहीं है तो मोटे अच्छे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए लो ये कर दिया, तो दीज आर ऑलवेज प्लान्ड एक्शन। तो बड़ा सिंपल है, अबाउट टू जो होता है वो हमें बताता है इमीडिएट एक्शन, अनप्लान्ड एक्शंस, गोइंग टू हमें बताता है प्लान्ड एक्शंस। तो मुझे उम्मीद है ये आपको एकदम बढ़िया बेहतरीन समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे, पहला क्वेश्चन आपके प्यार में तंतना के इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन देखेंगे, हर क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड का समय, 10 सेकेंड बहुत होते हैं ऑफलाइन क्लास में, मतलब ऐसी क्लास जो कि लाइव ना, है ना, आप रोक भी सकते हैं वीडियो, चलिए जल्दी जल्दी करता है, 10 सेकंड का टाइम है।
आई एम अबाउट टू फिनिश माई रिपोर्ट टू नाइट. ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अबाउट टू का इस्तेमाल आप कब करते हैं? अबाउट टू का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप बात करते हैं अनप्लान्ड एक्शन की. तो रिपोर्ट तुम अनप्लान्ड करके करोगे क्या? नहीं कर सकते ना, इसलिए अबाउट टू का यूज यहाँ पे गलत है. आप कुछ और यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे टू फिनिश, तो आप कह सकते हैं गोइंग, आई एम गोइंग अप टू फिनिश माई रिपोर्ट टू नाइट. तो ये बिल्कुल सही हो गया कि मैं अपनी रिपोर्ट आज शाम तक कंप्लीट कर दूंगा. तो अबाउट की तरह गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे, ए इज दी करेक्ट आंसर. क्लियर क्वेश्चन है, इसको मैंने अलग से इसीलिए पढ़ाया, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, वी आर गोइंग टू वेट एंड सी व्हाट हैपेंस बिफोर वी मेक अ डिसीजन. तो कह रहा है वी आर गोइंग टू वेट, हम इंतजार करेंगे, प्लान कर ली, एंड व्हाट हैपेंस बिफोर वी मेक अ डिसीजन. तो ये सारा बिल्कुल एकदम प्लान एक्शन है, नो एरर आंसर होना चाहिए इस पर डी. अगर डी के अलावा आपने कुछ और लगाया है तो भाई साहब बर्बादी ने चूम लिया आपके. तो क्या अदम, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री. ये मैं वो वाले क्वेश्चन लेके आया हूं, इसमें ऑप्शन नहीं है. तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ए आंसर होगा, बी आंसर होगा, सी आंसर होगा, इसमें ए बी सी है ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन दिखा है और आपको उसका आंसर बताना है. वही बता पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है. चलिए गो फॉर इट. द ट्रेन इज जस्ट अबाउट टू लीव फॉर द नेक्स्ट स्टेशन. अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, द ट्रेन इज, अब ये जस्ट जो है ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक एडवर्ब है जो लगा दिया, बल्कि वो कह रहे हैं बिल्कुल निकलने वाली, इज जस्ट अबाउट टू लीव फॉर द नेक्स्ट स्टेशन. इसका मतलब है इसमें आएगा नो एरर, और ये नो एरर क्यों आएगा, क्योंकि ये प्लान्ड एक्शन नहीं है, है ना. वो बस निकलने ही वाली है, आपको अभी पता चला है, आप बता रहे हैं बस निकलने वाली है, जाने वाली है, होने वाला है ये, तो ये अबाउट टू वाले एक्शन होते हैं. ठीक है, अगर आप उसका रेगुलर टाइमिंग बता रहे होते, या आप बता रहे होते कैसे जाएगी क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी अ गोइंग टू सेंटेंस. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, द ट्रेन इज जस्ट अबाउट टू लीव, जस्ट का भी इस्तेमाल हुआ है, मतलब वो बिल्कुल उसी मोमेंट की बात कर रहा है. तो द ट्रेन इज जस्ट अबाउट टू लीव फॉर द नेक्स्ट स्टेशन, नो एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन, He's about to run into something bad. He's about to run into something bad का मीनिंग समझेंगे पहले. He is about to run something bad का मतलब होता है कि ये किसी चीज गलत में पड़ने वाला है या फंसने वाला है. ठीक है, तो ये प्लान करके तो तुम करते नहीं हो, इसलिए गोइंग टू नहीं हो सकता. ठीक है, ही इस टू का मतलब है इसे होना ही है, ऐसा नहीं है. He has to, मतलब इसे करना पड़ेगा, किसी चीज में गलत में घुसना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है. तो नो इम्प्रूवमेंट एक बार फिर से आंसर होगा डी. जी हाँ, आज नो एरर वाले क्वेश्चन ज्यादा है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक या दो ही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी आसान आसान क्वेश्चन देता तुम सभी बना देते. तो ही इज अबाउट टू रन इनटू समथिंग बैड, मतलब ये किसी गलत चीज में फंसने वाला है. जैसे तुमने अपने किसी फ्रेंड को देखा, उसके बाद बड़ा पैसा आ रहा है आजकल, किसी ने उसे बाइक भी दिला दी है, एक दो गर्लफ्रेंड भी उसकी बन गई है, ठीक है, एकदम मौज में जी रहा है और काम कुछ करता नहीं है, तो तुम्हें लग रहा है कहीं गलत जगह से इसके पास पैसा आ रहा है. तो तुमने क्या कहा, तुमने कहा ही इज अबाउट टू रन इनटू समथिंग बैड, कि हो सकता है कि ये किसी गलत चीज में फंसने वाला है, क्योंकि ऐसे तो कोई अपना पैसा लुटवाएगा नहीं. क्वेश्चन नंबर फाइव, He is going to do some research this afternoon. आप देखो जब आपने कहा he is going to do some research, तो ये भी इसने प्लान किया है ना, रिसर्च करने के लिए आप प्लान करते हैं. ऐसा नहीं है आप सुबह सुबह उठे लाओ रिसर्च ही कर लेता हूँ, है ना, या अपने आप रिसर्च हो गई आपकी, ऐसा नहीं होता. तो इट इज ऑलवेज अ प्लान्ड एक्शन, इट इज ऑलवेज अ तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, नो एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब इसमें थोड़ी सी कलाकारी की गई है क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके लिए चीजें आसान होंगी। आई एम अबाउट टू स्टार्व टू डेथ, क्या मतलब हुआ भाई? आई एम अबाउट टू का, आई एम अबाउट टू स्टार्व, स्टार्व का मतलब होता है भूख से मर जाना, है ना, भूखा होना बहुत ज्यादा। आई एम अबाउट टू स्टार्व, है ना, ये आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेते हैं इसे, इसे आप आई एम लिखें या फिर एम लिखें, इसका आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ये इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो आई एम अबाउट टू स्टार, मैं भूखा मरने वाला हूँ, टू डेथ मतलब भूख, भूख से मैं मर जाऊंगा। तो ये भी कैसा एक्शन है, ये भी तुमने प्लान नहीं किया था, ये इमीडिएट एक्शन है। आज तुम ऐसी सिचुएशन में हो तो तुम कह रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी आएगा आपका नो एरर, डी इज द करेक्ट आंसर, अबाउट टू स्टार टू डेथ। क्वेश्चन नंबर 7, आज का थोड़ा तुम्हें डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि मैंने ज्यादातर नो एरर लिखे हैं, ठीक है, लेकिन लेट्स सी कौन इसमें सारे क्वेश्चन आज सही कर पाता है। 10 क्वेश्चन हैं आपके पास अबाउट टू वाले, फिर हम PQRS पे चलेंगे। आई एम गोइंग टू टेक अ फ्यू एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ और दिखाया गया है, क्वेश्चन में कुछ और पूछ लिया गया है, कहने का मतलब है आपका ध्यान अगर गोइंग टू में रहा है तो आपको ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगा होगा, क्योंकि ये कैसा एक्शन है, एक प्लान्ड एक्शन। लेकिन गलती क्या है कि भाई टू, टू के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गई, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, there should be take, take होना चाहिए। अब sentence क्या है, I am going to take a few exams, मैं कुछ और exams में appear करने वाला हूँ या करूँगा at the end of this year। अब ये sentence बिल्कुल सही हो गया, लेकिन two के बाद second form नहीं आती, first form आती है, इसलिए answer क्या हो जाएगा, A। Next question, अगला क्वेश्चन है, दे आर अबाउट टू बेक, कह रहा है दे आर अबाउट टू बेक अ केक फॉर हर बर्थडे, उसकी बर्थडे के लिए वो एक केक बनाने वाले हैं। तो भाई अबाउट टू इमीडिएट एक्शंस के लिए यूज होता है। अब तुम अगर कह रहे हो दे आर अबाउट टू बेक अ केक, ठीक है, किसके लिए, फॉर हर बर्थडे, तो ये बदतमीजी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये प्लान एक्शन होगा, केक को बेक करना कैसा एक्शन होगा, प्लान्ड एक्शन है, प्लान्ड एक्शन, और हमेशा प्लान्ड एक्शंस किससे बनते हैं, गोइंग टू से, तो दे आर गोइंग टू हो जाएगा, दे आर गोइंग टू, आंसर इज ए। केक को बेक करना, केक बनाना एक प्लान्ड एक्शन है, अपने आप केक नहीं बनेगा, खुद होने वाली चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसने कहा इट विल लैंड, ही लैंड हो जाएगा, तो प्लीज पुट योर सीट इन द अपराइट पोजीशन, तो अपनी सीट जो है वो सीधी कर ले, एंड क्लोज योर ट्रे टेबल, और अपनी क्लोज ट्रे टेबल को क्लोज कर ले। अगर आप कभी भी फ्लाइट में गए हैं तो ये सेंटेंस आपने जरूर सुना होगा, और अगर फ्लाइट में नहीं भी गए हैं तो आपने टीवी पे जरूर देखा होगा, है ना, और अगर देखा है और ध्यान नहीं दिया है तो अगली बार देख के ध्यान दे लीजिएगा। तो वो क्या कहता है, इट विल लैंड, वो ही नहीं कहता, वी आर गोइंग टू लैंड ऐसे बोलता है, या वी आर अबाउट टू लैंड, तो दोनों ठीक है कि भाई अब तो हम लैंड होने वाले हैं, नीचे आ गए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमारा डेस्टिनेशन आ गया, सो वी आर अबाउट टू लैंड, या फिर अगर लैंडिंग प्लान की गई है तो वी आर गोइंग टू लैंड, बट इट विल लैंड कुछ नहीं होता, ये लैंड अपने आप नहीं हो रहा, इट विल लैंड, तो या तो बोलोगे वी आर गोइंग टू लैंड, तो प्लीज, अब बिल्कुल सही। और अगर आप यहाँ पे आर वी आर अबाउट टू लैंड कहते हैं तो भी ठीक है, वो यहाँ पे दिखाना चाहता है, अगर आपने अबाउट टू से बोला कि
कि भाई हम बस जाने ही वाले हैं, मतलब अब देर नहीं बची है, ये अब प्लान्ड एक्शन तो था ही पर अब इमीडिएट एक्शन भी बन गया, तो दोनों ठीक है पर इट विल नहीं होगा। तो आंसर इज ए, ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, नो एरर से हट गए। अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि मैं अपना आपा खोने वाला हूं तुम्हारे साथ, एंड यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट, और फिर तुम इस पे पछताओगे। अब इस पे ए बी सी डी कुछ नहीं है, बस आपको सोचना है और देखना है कि क्या है। यहाँ पे दो एक्शन दिए गए, एक तो कह रहा है आई एम अबाउट टू लूज माय पेशेंस। अब आपके पेशेंस लूज करना हमेशा अबाउट टू से ही बनाएंगे आप, ये प्लान नहीं करते आप ये नहीं सोचते कि एक बार ये मुझे ऐसा बोल दे, ठीक है ये मुझे ऐसा बोल देगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा तो मैं इसे पीट दूंगा। आप गुस्सा प्लान नहीं कर सकते, ये आपके मूड के ऊपर, बहुत सारे आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आई एम अबाउट टू लूज माय पेशेंस, मैं अपना पेशेंस लूज करने ही वाला हूं, तो ये कैसा एक्शन है? अनप्लान्ड, इमीडिएट, ना तुम्हारे साथ मैं अपना पेशेंस लूज करने ही वाला हूं, एंड यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट, और यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट का मतलब है कि तुम फिर इसके लिए बहुत पछताओगे, है ना। तो ये चीज इसने प्लान करी है, ये चीज प्लान करी है ना कि तेरे पे ऐसा गुस्सा दिखाऊंगा कि तू पछताएगा। तो ये क्या होता है, क्योंकि वो सोच रहा है कि भाई मैं क्या करूंगा गुस्से में, मुक्का मारूंगा, उठाके पटकूंगा, इसके कपड़े फाड़ दूंगा, गंजा कर दूंगा, वॉट एवर, जो भी है, जो भी वो बुरा सोचा, दैट इज प्लान। सो इट इज आई एम अबाउट टू लूज माई पेशेंस विद यू एंड यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट। तो भाई ये हो गए यहाँ पे खाने खत्म। मुझे आप ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया ग्रामर में। तो ग्रामर में आप स्कोर अपना लिख देंगे, 9 आए आपके, 8 आए, या फिर 6 आए, 5 आए, जो भी आपका स्कोर आया एक बार आप जरूर बताएंगे आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक नए सफर पे। इस नए सफर का क्या नाम है? इस नए सफर का नाम है भाई मेरे PQRS। क्या नाम है लिख देता हूं आपके प्यार में, PQRS, जिसे आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। तो PQRS क्या होता है, कैसे यूज होता है, इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखो पहले तो ये जान लो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें PQRS नहीं आते। अगर आप क्लैरिकल के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आते हैं, NDA में भी आते हैं, CDS में भी आते हैं, SSC में भी आते हैं, बैंक में भी आते हैं, मतलब सब अलग अलग तरीके से आते हैं, पर आते जरूर हैं। मैंने आज तक जितने भी कॉम्पेरेटिव एग्जाम्स पढ़ाए हैं ना, कैट से लेके, मतलब कैट में भी आते हैं आप सोचिए, और बैंक क्लरिकल तक, लगभग सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रखे होते हैं। हर एग्जाम में अलग अलग तरीके से रखे होते हैं। ये क्वेश्चन क्यों रखे होते हैं हर एग्जाम में, क्या चेक कर पाते हैं? ये चेक कर पाते हैं आपके रीडिंग स्किल्स। ये क्वेश्चन कौन कर पाता है? ये क्वेश्चन वो कर पाता है जो कि रीडिंग जिसकी अच्छी होती है, रीडिंग बेस्ड होते हैं, ठीक है। और भाई देखो, जिसकी रीडिंग अच्छी होती है उसकी वोकैब अपने आप अच्छी होती है। तो अगर आप रीडिंग करते हैं तो आपको इस क्वेश्चन को, लेक्चर को लेने की जरूरत भी नहीं है, आप अपने आप इसे बना देंगे, क्योंकि जो रीडिंग करता है उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब रीडिंग का मतलब ये नहीं सर मैं रोजाना पढ़ता हूँ, है ना, 15-20 मिनट तो उसके मैसेजेस ही पढ़ता हूँ, इतने बड़े बड़े मैसेज करती है मुझे, सारे इंग्लिश में होते हैं, बहुत अच्छी मेरी अंग्रेजी उससे हो रही है। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने का मतलब है यू फॉलो अ रूटीन। आप रोजाना आधा पौन घंटे रीडिंग करते हैं, वेदर यू टेक अ न्यूज़पेपर फॉर हाफ एन आवर और फॉर 45 मिनट्स, जो शेड्यूल मैंने आपको बताया था रीडिंग का, वो आपने फॉलो अगर अब तक नहीं किया है तो बर्बादी अब चूमेगी आपके, उछल उछल के क्या कदम। इसलिए आप याद रखिए इस चीज को कि आपको रीडिंग करनी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, एक शेड्यूल भी आपको बनाकर दिया था कि बिना रीडिंग के आपका कुछ हो नहीं सकता है। आज आपको इस बात की अहमियत समझ में आएगी जब आप PQRS क्वेश्चंस मेरे साथ करेंगे कि भाई बिना रीडिंग के तो कुछ है ही नहीं। तो तीन पार्ट है आपके, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग। और ये जो रीडिंग वाला पार्ट है ना, यकीन जानिए यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी को स्ट्रांग कराता है। तो जिसकी रीडिंग अच्छी है ना, उसे ग्रामर और वोकैब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन भी अपने आप बना जाएगा। और जितने अंग्रेजी को क्रैक करने के लिए चाहिए ना, उतने वो ऐसे ही निकाल पाएगा, ठीक है। तो रीडिंग ही डिसाइड करती है कि आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है। चलिए तो बताइए जरा रीडिंग के बारे में मुझे कुछ।
ठीक है, कि आपने आज तक क्या क्या पढ़ा है जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, कि अगर कोई नॉवेल पढ़ते हैं आप, मैगजीन पढ़ते हैं, देखो अगर नहीं बताओगे मैं समझ जाऊंगा नहीं पढ़ते हैं, तो अगर नहीं पढ़ते हो तो मत बताना, ठीक है। और अगर सच में पढ़ते हो, पढ़ने का मतलब ये नहीं सर एक बार ना मैंने एक नॉवेल पढ़ी थी, अब वो तो तुमने फैशन में खरीद ली थी, मतलब रीडिंग का मतलब है यू ऑलवेज हैव अ बुक हैंडी, हमेशा एक किताब तुम्हारी चल रही होती है जिसको खत्म करने के लिए तुम एफर्ट्स डाल रहे होते हो, तो ये रीडिंग बेस्ड होता है। दूसरी बात, आपके यहाँ CDF में और NDA में भर भर के इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसको कर कैसे सकते हैं और ये होता क्या है? इसमें क्या होता है, अ पैराग्राफ इज गिवन टू यू, एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है जो जम्बल्ड है, जिसका पहला सेंटेंस शायद कहीं बीच में लिखा हो या लास्ट में लिखा हो, लास्ट वाला सेंटेंस शायद बीच में लिखा हो या शुरू में लिखा हो, शुरू वाला सेंटेंस शायद अगेन कहीं पे लिखा हो। तो आपको चार ऑप्शंस भी दिए गए हैं उसको सॉल्व करने के लिए। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, चलिए एक क्वेश्चन आप मेरे साथ कर लीजिए, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इस पर सिर्फ हम नजर डालेंगे और इसको गहराई से देखेंगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें बता देता हूँ, इसमें यह ना ये पूरा एक सेंटेंस है यहां से लेके यहाँ, ये पूरा एक सेंटेंस है, ये पूरा एक सेंटेंस है। अब हमने जैसे इसको चार पार्ट में तोड़ लिया है, ठीक है, एक पार्ट इसका ये है, एक पार्ट इसका ये है, इस पार्ट का नाम रखा है हमने P, इस पार्ट का नाम रखा है हमने Q, इस पार्ट को तोड़ के इसका नाम रखा है R, इस पार्ट को अलग करके इसका नाम रखा है S। इस हिसाब से हमारे पास PQRS चार पार्ट हो गए, और चार पार्ट को तोड़ने के बाद हमने इनको जम्बल्ड कर दिया, मिला दिया, ठीक है। अब पता नहीं कौन सा पार्ट कहाँ लिखा है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सीक्वेंस बेस्ट है, अपना नहीं बनाना है, पहले बता रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में जो सीक्वेंस हो इन चारों ऑप्शन से बेटर हो, बट तुम्हारे पास यही चारों ऑप्शन है और ऑप्शन से खेलना है। तो आइए मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे खेलते हैं। तो सबसे पहले, सबसे ही पहले जो आपको करना होता है ना इसमें, वो बात आप याद रखिए कि आपको इसमें सबसे पहले देखना होता है स्टार्टिंग सेंटेंस, अब भाई स्टार्टिंग सेंटेंस कहाँ से देखोगे? स्टार्टिंग सेंटेंस देखने के तीन तरीके हैं, सबसे पहला तरीका है ऑप्शन, ऑप्शन से तुम्हें हमेशा 100% मिलता है ये स्टार्टिंग सेंटेंस का हिंट, जैसे ऑप्शन से तुम्हें पता चल गया P P P या R, समझ गए कि कहने का मतलब है स्टार्टिंग सेंटेंस या तो P होगा या फिर R होगा, समझ आ गई बात? तो ऑप्शन से आपको समझ में आ जाएगा पी या आर, और ऑप्शंस में एक चीज होती है एलिमिनेशन। अब मैं तुम्हें बताऊं तुम में से कुछ कबूतर कैसे होंगे ना, वो कबूतर है वो चीते नहीं है, उन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और वो बड़े खुश हो गए, अरे ये तो मुझे आता है ये मैंने कर लिया। भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन करने की बात नहीं है, जितने आए सारे सही करने की बात है, क्योंकि तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर है वो सारे सही करके आएंगे। अगर तुम्हारे एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो तुम्हें 10 के 10 सही करने हैं तभी तुम क्वालिफाई कर पाओगे। अगर तुम 10 में से 7 क्वेश्चन करके खुश हो तो बर्बादी ने चूम लिए तुम्हारे और तुम्हें पता भी नहीं है क्या मतलब। तो इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें हर एक क्वेश्चन सही करना है, तो उस लेवल की एक्यूरेसी लाने के लिए तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चंस करते कैसे हैं। अगर तुम 10 में से 6-7 क्वेश्चन करके खुश हो तो खुश रहो, बर्बादी भी खुश है चूम चूम के, है ना। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो सबसे पहली चीज ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन से पता चल जाएगा एलिमिनेशन क्या होता है, ये आगे बताऊंगा। दूसरी चीज, स्टार्टिंग सेंटेंस कैसे देख सकते हैं, एक तो ये पता चल जाएगा। दूसरी चीज, स्टार्टिंग सेंटेंस हमेशा थीम होता है या सेंट्रल आइडिया होता है, जो मुद्दे की बात कर रहा है, हमेशा मुद्दे की बात शुरू में होगी और फिर उसी मुद्दे को आगे डिस्कस किया जाएगा। ऐसे ही तो हम करते हैं, कोई भी चीज होती है पहले मुद्दे की बात होती है और फिर उस मुद्दे को आगे डिस्कस किया जाता है, पहले मुद्दा इंट्रोड्यूस होगा, तो थीम या सेंट्रल आइडिया यहां पे क्या होगा, इंट्रोड्यूस हो जाता है, समझे। ये दूसरा तरीका है स्टार्टिंग सेंटेंस जानने का। एक तीसरा तरीका भी है, अगर आपको दिख जाए कहीं ईडियम या फिर दिख जाए कोई फ्रेज या फिर दिख जाए कोई जनरल सेइंग, मतलब मुहावरा लोकोक्ति ऐसा कुछ अगर आपको दिख जाता है मुहावरा लोकोक्ति, है ना, इडियम या फ्रेज, तो याद रखिए ये सेंटेंस के हमेशा स्टार्टिंग में या लास्ट, है ना। तो यहाँ पे बस डाउट होता है स्टार्टिंग में या लास्ट में,
थीम कभी लास्ट में नहीं आती है, और याद रखिए ऑप्शंस भी आप आराम से शुरू से देख सकते हैं। तो ये तरीका है, ये तीन तरीके हैं जिससे आप स्टार्टिंग सेंटेंस पता कर सकते हैं। अब तुम कहोगे सर खाली स्टार्टिंग सेंटेंस से क्या होता है, अरे बहुत कुछ होता है। देखो एलिमिनेशन से अब तुम्हें ये तो पता चल गया ना, आउटडोर से तो स्टार्टिंग शुरू नहीं हो सकती, आउटडोर फार्म वर्कर्स, ये क्या बात हुई, आउटडोर फार्म वर्कर्स है ना, तो आर से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आप इसको काट दें, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ये बात पता चल गई कि आंसर इन तीनों में से एक होगा, तो भाई स्टार्टिंग सेंटेंस में अगर आपको नहीं भी पता चला तो ये तो पता चल गया कि कौन सा नहीं हो सकता, और एक ऑप्शन आपने कम कर दिया। तो जितने ऑप्शंस आप कम करते जाते हैं उतना क्वेश्चन आसान होते जाते हैं। नहीं समझे बात को, मैं लिख देता हूं, रिमेंबर इफ यू एलिमिनेट वन ऑप्शन क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। याद रखिएगा ये तीन बातें, पहली बात अगर सिर्फ तुम एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हो और एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट है। इफ यू एलिमिनेट टू ऑप्शंस द क्वेश्चन इज Doable, ये करने योग्य क्वेश्चन है भाई, यही तो क्वेश्चन है जो तुम्हें नंबर दिलाएगा। कब? If you eliminate two options, अगर तुम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो तो याद रखो ये क्वेश्चन तुम्हें नंबर दिलाएगा, ये डूएबल है। मतलब अगर मैं एक ऑप्शन और काट दूं तो समझ लो अब ये बहुत ज्यादा डूएबल है। ठीक है, If you eliminate three options, तो आप समझ ही गए होंगे। The question is done, question हो गया। अगर आपने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, अगर मैं तीन में से तीन काट दूं तो एक जो बचेगा वो आंसर ही होगा। अगर आप तीन एलिमिनेट कर देंगे तो याद रखिए जो बचेगा वही आंसर होगा, तो ये तो आसान सी बात है। आखिरी और आखिरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, If you eliminate none of the options, don't attempt. समझे? अगर आप कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं PQRS क्वेश्चंस में, तो याद रखिए कि उस क्वेश्चन को मत करिए, वो आपके बस की नहीं है। आप बिना वजह अपना नेगेटिव देके जाएंगे, और ऐसा अक्सर आपके साथ एग्जाम में होगा, एक आध क्वेश्चन पे होगा, तो वो एक क्वेश्चन डाला ही इसलिए गया होगा। मत डालो ना, मत डालो उसमें हाथ, है ना, जो डाल रहा है उसका जलेगा। तो इसलिए बेटर ये है अपना बचाओ, अपने अच्छे नंबर जो आपने दूसरे इजी क्वेश्चन से कमाए हैं उन्हें डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे गंवाना नहीं चाहिए। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, अगर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो दूसरा एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। दूसरा एलिमिनेट हो गया तो क्वेश्चन आपका हो गया है, मान लीजिए हो जाएगा ना, तीसरे पे तो हो ही जाता है। और अगर कोई भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके बस की नहीं है। तो पहली चीज मैंने क्या बताई, आप स्टार्टिंग सेंटेंस करेंगे, और दूसरी चीज मैंने बताई एलिमिनेशन के बारे में। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, मैंडेटरी पेयर्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मैंडेटरी पेयर्स। मैंडेटरी पेयर्स का क्या मतलब होता है, कुछ जोड़े आपको देखने को मिलेंगे ना। तुम कहोगे सर कैसे जोड़े, कैसे जोड़ों की बात कर रहे हो, तो भाई देखो कैसे जोड़ों की बात करो, जैसे मुझे पता लगा फार्म वर्कर्स, अब मैं इसके बाद ये तो नहीं कह सकता मोस्ट ऑफ देयर टाइम, फार्म वर्कर्स मोस्ट ऑफ देयर टाइम, तो दो दो नाउन्स को ऐसे साथ नहीं आते। फार्म वर्कर्स मैं जानता हूं कि एक नाउन है, वर्कर्स नाउन है, फार्म उसके लिए एडजेक्टिव है, तो उसके साथ अब वर्ब आने चाहिए, फार्म वर्कर्स स्पेंड होना चाहिए। तो ये मुझे मिल गया एक मैंडेटरी पेयर, है ना, ये क्या मिल गया मुझे, मैंडेटरी पेयर। कैसे पता चला कि पी और क्यू साथ में आएंगे, अब पी और क्यू यहां भी साथ है और पी और क्यू यहां भी साथ है, तो इससे एक बात पता चल गई कि ये वाला आंसर नहीं होगा,
दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक हमने ये एलिमिनेट किया था, एक ये एलिमिनेट किया था, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मतलब क्वेश्चन अब डूएबल हो गया, बहुत ही आसान हो गया। तो फार्मर्स स्पेंड, तो हमने क्या देखा, मैंडेटरी पेयर कई तरीके से बन सकते हैं, एंड मैंडेटरी पेयर कैसे कैसे बन सकते हैं, और ये हमेशा बनेंगे, हमेशा बनेंगे और सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो मैंडेटरी पेयर कौन कौन से हो सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे भी बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस पे बेस्ड हो सकते हैं, या फिर टेंस बेस्ड हो सकते हैं, या ग्रामर के और भी कॉम्पोनेंट्स हैं, कौन कौन से, जैसे कंजंक्शन बहुत हेल्प करता है ना, इन सब में बेस्ड हो सकते हैं। तो मैंडेटरी पेयर आप ग्रामर से भी पहचान सकते हैं, मान लीजिए उसने कहा रोहित शर्मा इज अ वेरी गुड बैट्समैन, ही स्कोर्स रन्स लाइक अ रन मशीन, है ना, तो आपने ही किसके लिए बोला, रोहित शर्मा के लिए। तो जब ये सेंटेंस एग्जाम में आएगा तो आप समझ जाएंगे रोहित शर्मा नाउन है और उसी के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है क्या, ही, तो ये प्रोनाउन से भी हेल्प मिलेगी। टेंस से आपको पता चलता है कि भाई पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, कहां कैसे यूज होगा। इन द सेम मैनर आपको कंजंक्शन, अगर उसने कह दिया बट, ऑल्दो, येट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ विपरीत बात हो रही है, कुछ अलग तरीके से सेंटेंस जा रहा है, और आप क्या करेंगे, इसे यूज करेंगे। आगे ना समझ में, तो मैंडेटरी पेयर किसी भी तरीके से बना सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे मैंने अभी आपको बना के देखा है इसी क्वेश्चन में, है ना, और भी आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। एक और तरीका होता है मैंडेटरी पेयर बनाने का, है ना, तो पहला तरीका तो ये हो गया तुम्हारा ए पार्ट, ग्रामर, ये सब ग्रामर के ही ऑप्शन है। दूसरा तरीका क्या होता है, लॉजिकल कोहेरेंस। लॉजिकल कोहेरेंस का क्या मतलब होता है, कोई चीज लॉजिकली कंसिस्टेंट है, कहने का मतलब है कि पहले फार्मर्स की बात हुई, वो स्पेंड करते हैं, तो फार्मर्स स्पेंड करते हैं, ये बात तो हो गई, अब क्या स्पेंड करते हैं, आइए देख लेते हैं, अपने आप सही हो जाएगा। फार्मर स्पेंड्स आउटडोर, फार्मर आउटडोर स्पेंड करते हैं, नहीं, मोस्ट ऑफ देयर टाइम, ज्यादातर टाइम अपना स्पेंड करते हैं आउटडोर, है ना, तो स्पेंड के साथ क्या आया, मोस्ट ऑफ, तो इसे हम कहते हैं लॉजिकल कोहेरेंस, कोई चीज जो लॉजिकली समझ में आ रही होती है ना, मीनिंग के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं, मीनिंग के थ्रू, ठीक है। तीसरी चीज, राइटर या तो जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, या फिर राइटर जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अगर किसी की बुराई हो रही है तो वो पहले सारे बुराई से रिलेटेड सेंटेंस बोल देगा, जैसे उसने कहा, मान लीजिए कि हाँ, ड्रग्स आर नथिंग लेस देन एन अब्यूज, कि जो ड्रग्स हैं वो किसी एक अब्यूज से बुरी चीज नहीं है, और उसने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स आर डिस्ट्रॉयड बाय ड्रग्स एवरी ईयर एंड मोस्ट ऑफ देम आर यूथ, तो उसने बताया कि हजारों जिंदगियां हर साल ड्रग्स की वजह से खराब हो जाती हैं, ठीक है, और उनका जो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा कॉज है, वो मतलब जो सबसे बड़ा टारगेट है, प्राइम टारगेट है, वो कौन है, यूथ। तो ये अब तक सारी बातें ड्रग्स के बारे में नेगेटिव हुई, तो ये सारी बातें एक साथ आएंगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब है कि सारी बातें आप पहले नेगेटिव वाली साथ में लिखते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो सारी बातें आप नेगेटिव साथ में लिख लेंगे, नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव, सारी बातें आप नेगेटिव साथ में लिख लेंगे, है ना। तो जैसे मैंने पहले बात बताई कि ड्रग्स से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, हजारों लोग मर गए, है ना, और ज्यादातर उसमें से यूथ है, तो ये सारी नेगेटिव बातें हो गई। अब मैंने मान लो कुछ पॉजिटिव बात भी कही, जैसे मैंने कहा बट देयर इज a lot of medicinal value drugs hold because of which they are still there in the market and taken out from the plants, so if we use drugs only for medicinal use it is nothing less than a bane. So writer ne kya kaha, nothing less than a boon. So kya kaha writer ne, ki bhai agar main drugs ka istemal sirf medicinal use ke liye karta hu jo hamare paas hai और हम लगातार साल उसे करते आ रहे हैं, तो ड्रग्स हमारे लिए एक वरदान की तरह होगा,
लेकिन अगर हम उस पर यूथ पे करते हैं और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए पता नहीं क्या सोच के करते हैं तो वो कैटेस्ट्रॉफिक होगा। तो ये क्या हो गया, ये अब मैंने पॉजिटिव बातें करी। तो पॉजिटिव बातें सारी साथ में, जैसे मैंने पॉजिटिव सारी बातें कौन कौन सी करी, जैसे मैंने एक तो कहा कि ड्रग्स का अपने एक मेडिसिनल वैल्यू भी है जिसकी वजह से हम उसे प्लांट्स वगैरह में से निकालते हैं, है ना, और पूरी दुनिया में ड्रग्स इसलिए यूज भी होता है और सब जगह लीगलाइज्ड है मेडिसिनल वैल्यू के लिए, लेकिन कुछ लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, पॉजिटिव एक साथ रखे, नेगेटिव एक साथ। अब ये राइटर के ऊपर है, चाहे वो पहले नेगेटिव सेंटेंसेस सारे कह दे या सारे पॉजिटिव कह दे, ठीक है, तो या तो पहले पॉजिटिव कह देगा या पहले नेगेटिव कह देगा, ये आपको कोई नहीं बता सकता। ये पर एक बात आपको पता चलेगी कि नेगेटिव नेगेटिव मैंडेटरी पेयर बनाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव मैंडेटरी पेयर बनाएंगे, याद आई बात। तो ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव रहेगा और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव रहेगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, मैंडेटरी पेयर आप कैसे बना सकते हैं। अगली चीज, एक और तरीका होता है मैंडेटरी पेयर बनाने का, जिसे हम कहते हैं ए बी सी डी ई, क्योंकि सारा काम ना मैं इसका ही है मैंडेटरी पेयर का, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, या फिर आप कह सकते हैं स्पेसिफिक टू जनरल। जैसे मैंने कहा कि इंडिया जनरल टू स्पेसिफिक बात करते हैं, तो पहले जनरल बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि द होल वर्ल्ड इज करप्ट, इवन द कंट्रीज, इवन द जी सेवन कंट्रीज और द कंट्रीज हु आर कंसीडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, जर्मनी, चाइना, रशिया, दीज कंट्रीज आर ऑल्सो करप्ट, ठीक है। फिर मैंने कहा इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज, वी बेयरली फाइंड अ सिंगल डिपार्टमेंट टू विच वी कैन कॉल इज नॉट करप्ट, ठीक है। तो ये था जर्नल टू स्पेसिफिक, पहले मैंने जर्नली एक बात करी, किसके बारे में, पूरे पूरे दुनिया के बारे में बात करी। मैंने कहा जो जी सेवन कंट्रीज है, जो बहुत पावरफुल कंट्रीज है, वो भी करप्ट है, चाइना करप्ट है, रशिया करप्ट है ना, मैंने बहुत सारी कंट्रीज के बारे में बात करी। तो ये कैसी बात थी, जर्नल बात थी, वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा था जर्नली। और फिर उसके बाद मैं आगे इंडिया पे, और मैंने कहा कि इंडिया भी दुनिया की सबसे ज्यादा करप्ट कंट्रीज में से एक है, और मैंने ये भी बताया कि मुश्किल से ही हम कोई ऐसा डिपार्टमेंट ढूंढ पाए जिसको हम कहें ये बिल्कुल करप्ट नहीं है। तो थोड़ा बहुत करप्शन सब जगह है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ल्ड से हम इंडिया की तरफ आए तो जनरल टू स्पेसिफिक। अब इसमें आपने एक बात देखी होगी कि मैंने जनरल के सारे सेंटेंसेस एक साथ लिखे, एक फाइन है ये बात, मैंने जनरल वाले सारे सेंटेंस एक साथ रखे। मैंने यही तो कहा कि जी सेवन कंट्रीज, चाइना, रशिया, ये सारी की सारी करप्ट है, और फिर उसके बाद मैंने जो स्पेसिफिक वाले थे वो एक साथ कहे। तो इससे भी आपको हेल्प मिलेगी मैंडेटरी पेयर बनाने की। अब आप सोच रहे हो सही तरह सब क्यों बना रहे हो, क्योंकि कितनी बार सेंटेंस में स्टार्टिंग नहीं समझ में आएगी, कितनी बार एंड समझ में नहीं आएगा, तो मैंडेटरी पेयर ही काम आएंगे। जब मैंडेटरी पेयर नहीं बन रहे होंगे तो स्टार्टिंग सेंटेंस काम आएगा। अरे इंडियन क्रिकेट टीम 7 to 8 बैट्समैन खिलाती है ना, क्यों, कोहली जैसे ढूंढ ले 2-3 और, 4 खिला ले खाली, बट भाई नहीं पता, 7 बैट्समैन खिलाने पड़ेंगे, एक नहीं चला दूसरा मारेगा, दूसरा नहीं चला तीसरा मारेगा, तीसरा नहीं चला चौथा मारेगा। और इसलिए मैंने आपको इतने सारे ऑप्शंस दे रहा हूँ कि अगर एलिमिनेशन नहीं चला तो स्टार्टिंग सेंटेंस चलेगा, स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं चला तो जनरल टू स्पेसिफिक चलेगा, स्पेसिफिक टू जनरल चलेगा, स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक नहीं बना पाए तो आपके काम आएगा ये जो मैंने बताया नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो भाई ऐसी मैं चाहूँ तो स्पेसिफिक टू जनरल भी कह सकता था, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हाँ इंडिया इज अ वेरी करप्ट कंट्री, वी डू नॉट हैव अ सिंगल डिपार्टमेंट टू विच वी कैन कॉल इज नॉट करप्ट, हाउएवर द होल वर्ल्ड इज करप्ट, इवन द जी सेवन कंट्रीज द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करप्ट इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, जापान एंड यूएस। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि दुनिया की, मैंने बोला कि इंडिया एक बड़ी करप्ट कंट्री है। तो मैंने स्पेसिफिक गया, पहले मैंने स्पेसिफिक बात करी, स्पेसिफिक बात करी, उसके बाद फिर मैंने क्या कहा, और मैंने कहा कि इंडिया का एक सिंगल भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो कि करप्ट ना हो। फिर मैंने कहा हाउएवर, हालांकि पूरी दुनिया ही करप्ट है, और फिर मैंने जनरल बात करी दूसरी कंट्रीज की, तो जनरल प्लस जनरल बस ऐसी रहेगा। तो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव था ऐसे ये था।
अब एक इंपॉर्टेंट चीज, तीसरा पॉइंट जहां से आप ढूंढ सकते हैं वो है लास्ट सेंटेंस। तो सवाल ये सर मैं कैसे पहचानूंगा लास्ट सेंटेंस, जैसे मैंने आपको सिखाया ना फर्स्ट सेंटेंस पहचानना, ऐसे ही आप लास्ट सेंटेंस पहचानेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा था ईडीएम फ्रेज कुछ भी हो सकता था, तो याद रखिए अगर कहीं पे आपको ईडीएम दे रखा है, अगर कहीं पे आपको ईडीएम दे रखा है या कोई फ्रेज दे रखा है या कोई मुहावरा है, लोकोक्ति है, तो वो हमेशा या तो शुरू में आएगा या लास्ट में आएगा। तुम कहोगे सर इससे मेरा क्या फायदा, अरे बीच में नहीं आएगा ना, तो ये पता चल जाएगा शुरू में आएगा लास्ट में आएगा, एलिमिनेशन में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये या तो शुरू में आएगा या फिर लास्ट में आएगा, ईडीएम फ्रेज या तो शुरू में आएगा या फिर लास्ट में आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज हमें पता है कि जो लास्ट सेंटेंस होगा वो हमेशा कंक्लूजन होगा, और कंक्लूजन अक्सर आपको दो तरह का मिल सकता है, एक तो होगा कंक्लूजन ऑफ थीम और एक होगा मेरे बच्चे कंक्लूजन ऑफ टोन। तुम सोचोगे सर क्या क्या पढ़ा रहे हो, कंक्लूजन ऑफ थीम, कंक्लूजन ऑफ टोन, भाई इसमें से इस चीज की इससे अभी मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा आगे के बहुत सारे, इसमें से ज्यादातर प्रीवियस ईयर है सीडीएस के, ठीक है, और एनडीए के भी क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। तो थीम का मतलब क्या होता है, थीम का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया, तो जो मुद्दा चल रहा है उसका कंक्लूजन। जैसे मैंने ड्रग्स वाली बात कही थी तो मैंने आखिर में क्या कंक्लूड कर सकता हूं, तो इट शुड बी बैंड, ठीक है, एंड इट शुड बी बैंड एंड शुड बी अलाउड ओनली ऑन मेडिसिनल, ओनली फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, ठीक है। तो आप इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थीम जो थी मेरी, थीम को कंक्लूड कर दिया, मुद्दे की बात को जहां पे कंक्लूड करेगा वो कंक्लूजन हो जाएगा। कंक्लूजन ऑफ थीम वो होता है जो बात को कंक्लूड कर रहा होता है। जैसे मैंने कहा विराट कोहली इज अ वेरी गुड बैट्समैन, ही हैज प्रूव्ड हिज स्किल ऑन ऑलमोस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी फॉर्मेट ऑफ द गेम। He has scored many centuries, many half centuries, and he has made India won numerous matches. कि इंडिया को इसने बहुत सारे मैच भी जिताए हैं, खूब सारी सेंचुरीज बनाई हैं, सब कुछ बढ़िया किया है, एंड विराट कोहली इज द फ्यूचर ऑफ द इंडियन क्रिकेट। और विराट कोहली क्या है, वो फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट का। तो ये क्या हो गया भाई, ये अभी तक सब मैंने बोला कोहली के बारे में अच्छाई, और उसके थीम को कंक्लूड भी कर दिया कि कोहली इस समय इतना बढ़िया खेल रहा है, इतना सब कुछ अच्छा खेल रहा है कि वो थीम है। इसका थीम है, इसका थीम है इंडियन क्रिकेट के, मतलब ये जो सेंटेंस मैं बोल रहा था उसका थीम क्या है कि इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर, तो वो थीम को उसने कंक्लूड कर दिया। अब टोन क्या होता है, टोन का मतलब होता है स्टाइल, मूड, है ना। तो टोन का कंक्लूजन क्या होगा, मैंने कहा जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, Those who work hard get success. जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं। तो ये टोन का कंक्लूजन हो गया, ये मेरी पर्सनल बात मैंने एक कह दी जो कोहली से हटके है, कोहली नहीं दुनिया में कोई भी मेहनत करेगा तो वो क्या होगी, वो सफल होगा। तो ये एक जनरल बात हो गई। तो यूजुअली जो टोन होती है वो जनरल बात होती है, जनरल मूड होता है, और उसको हम लास्ट में रखते हैं। तो ऐसा बहुत ही रेयर आपके साथ होगा, नहीं होगा कि दो कंक्लूजन हो, बट अगर दो कंक्लूजन हो तो याद रखिए टोन वाला कंक्लूजन लास्ट में, ठीक है। तो एक बार मैं क्विक रिविजन करा देता हूँ आपको कि मैंने क्या पढ़ाया है इसमें। मैंने आपको बताया कि भाई कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करने जाएंगे पी क्यू आर एस वाला, तो आप उसे मल्टीपल तरीके से उस पर ट्रिक्स लगा के उसे कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से मैंने आपको बताया कि सबसे पहली ट्रिक क्या है, उसकी सबसे पहली ट्रिक यह है कि आप स्टार्टिंग सेंटेंस देख लें, उसके बेसिस पे ऑप्शन देख लें, कुछ ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, जो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं मिल पा रहे और कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास एक तरीका और है जिसको हम कहते हैं मैंडेटरी पेयर्स। मैंडेटरी पेयर्स आप देखेंगे तो आपको जरूर एक आंक मिल जाएगा, और उसके बेसिस पे आप एलिमिनेशन करेंगे। करना आपको एलिमिनेशन ही है ना, की पॉइंट एलिमिनेशन ही है, हमेशा एलिमिनेशन करना है। सिलेक्शन करने पे सेंटेंस गलत होते हैं, यहाँ पे आपको हमेशा एलिमिनेशन करना है। अगर आपको मैंडेटरी पेयर्स भी नहीं मिलते हैं तो यकीन जानिए कुछ ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपको लास्ट सेंटेंस जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर इसमें से भी तुम्हें कुछ नहीं मिला है तो समझ लो तुम्हारे बस की नहीं है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, दूसरे पे जाएंगे। चलो आ जाते हैं। तो क्या याद रखना है आपको,
एलिमिनेशन इज द की, डू नॉट सेलेक्ट द ऑप्शन। ये मुद्दे की बात है कि आपको ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है, सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, जो लास्ट में बचेगा वही आपका आंसर होगा। सो हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर वन। अब हम इसको देख लेते हैं। तो फार्मर्स वर्कर स्पेंड, तो हमें पता चल गया भैया पी क्यू साथ में आ गए, पी क्यू दो जगह साथ में, दो एलिमिनेट हो गए। फिर हमने कहा क्या मोस्ट ऑफ देयर टाइम, तो हमें यह भी पता चल गया कि क्यू और एस साथ में आ रहे हैं। हमें क्या पता चल गया कि क्यू और एस साथ में आ रहे हैं, और क्यू और एस बस यहां पे दे रखे हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। अब जरा देखते हैं पी क्या कहता है, फार्म वर्कर्स, क्यू क्या कहता है, स्पेंड क्या मोस्ट ऑफ देयर टाइम कहां पे, बाहर आउटडोर्स, तो सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, ये एलिमिनेट हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो आप एलिमिनेशन करते जाएंगे तो तंतनाता हुआ आंसर होगा, अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने है। हर क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है, और 10 सेकंड का समय इसलिए है कि आप उसे आराम से देख लीजिए। रिकॉर्डेड क्लास है, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, तो 10 सेकंड से समय आपका बढ़ जाएगा। देखिए क्या है, टुगेदर शफल द पेपर इन अ ड्रॉयर, तो हमें ये तो पता है कि स्टार्टिंग करने के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो स्टार्टिंग तो भाई ही से ही होनी है, मतलब पी से ही स्टार्टिंग होगी। जैसे ही हमें पता चला पी से स्टार्टिंग होगी, हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। एक ऑप्शन एलिमिनेट करने का मतलब है कि अभी हमारा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो आइए इसे डूएबल बनाते हैं, एक और ऑप्शन इसका एलिमिनेट करते हैं। अब एक तरीका और है, ही के साथ आप लगा के देखिए क्यू, He shuffled the paper, ठीक है, together in a drawer, अरे ये तो सॉल्व हो गया, मैं तो सिर्फ पहला वाला पढ़ रहा था, पर ये सॉल्व हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं, मतलब इस पे आते हैं, पी क्यू साथ में आ गया, अब लगाया आपने यहां, He shuffled the paper in a drawer together, तो in a drawer तक तो सही है, उसने shuffle कर दिया, shuffle मतलब ऊपर नीचे कर दिए पेपर drawer के अंदर एक साथ, तो ये यहाँ पे एक साथ का कोई मतलब नहीं बन रहा, तो मुझे ये पता चल गया कि एक साथ यहाँ पे नहीं आएगा, एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। आइए ये वाला भी देखते हैं, पी के साथ ऐसा आ सकता है, ही टुगेदर शफल्ड द पेपर, ही टुगेदर का मतलब है किसके साथ, ही टुगेदर, अब तुम बताओगे ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड विद समवन, तो टुगेदर विद के लिए ही के लिए आ गया, तो ही के साथ तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बचा क्या यही वाला ऑप्शन, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ही क्या शफल्ड द पेपर, उसने पेपर को ऊपर नीचे कर दिया, एक साथ ऊपर नीचे कर दिया इधर ड्रॉअर के अंदर, अब ये बिल्कुल सही है, पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आंसर इज ए, ठीक है दोस्त। तो ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बना दीजिए। अब जिसकी रीडिंग अच्छी है ना, वो सेकंड्स में इन क्वेश्चंस को कर लेता है। जैसे क्वेश्चन है, डू यू थिंक विल दिस सोप श्रिंक वुलन क्लोथ, डू यू थिंक Will this soap? अच्छा, तो यार ये तो पता चल रहा है कि do you think से sentence start हो रहा है, तो do you think मतलब P P P, तो ये option eliminated, option eliminated। एक बार जो हमने option eliminate करे उस पर नजर डाल लेते हैं, Q से start करके, Will R लगा दिया, Will this soap, Will this soap, Do you think, अब ये तो do you think पे वापस नहीं जा सकता, तो ये एलिमिनेट हो गया, will क्यू का मतलब हो गया this soap, ये हो गया will do you think पैसे भी नहीं हो सकता, ये दोनों एलिमिनेटेड है, बिल्कुल सही हमने एलिमिनेट करे। अब ये देखना है हमें कि P के साथ Q लगाना है और P के साथ R लगाना है, इतनी बात जानने पे सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो आपने पहले P के साथ Q लगा दिया, डू यू थिंक क्यू पे आ जाओ, क्यू 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 क्यू,
डू यू थिंक विल शिरिंग वुलन क्लोथ विल दिस सोप, तो विल दिस सोप नहीं होगा, विल दिस सोप इसलिए नहीं होगा कि तुम सवाल नहीं पूछ रहे हो, तुम कह रहे हो क्या तुम्हें लगता है, तो सवाल अगर होता तो आगे क्वेश्चन मार्क होता, तो डू यू थिंक के बाद ये गलत है, क्यों नहीं आ सकता, बट अगर पी आर क्यू एस लगाओगे तो ये कहेगा डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, आर आर का मतलब है डू यू थिंक दिस सोप विल श्रिंक विल इंक्लोज, ठीक है, तो ये सवाल नहीं है, बस ये तुमसे पूछ रहा, ये कह रहा है डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, ये सवाल डू यू थिंक, ये आगे की बात सवाल नहीं है, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, तो ये तो सवाल था, ये एक ही जगह पे दे रखा है, इसलिए आंसर क्यों होगा, ग्रामर से हो गया ये क्वेश्चन नंबर 14, सारे क्वेश्चन एकदम आसान, We advise the hijackers to surrender to the police themselves. So we advise, अब एक बार देखते हैं, इसी से भी हमें पता चल रहा है कि we advise से ही sentence start होगा, theme तो हमें पता चल रही है, तो P से starting होगी, P से starting होगी, P से starting, और एक बार फिर से हमने एक option eliminate कर दिया है, अब क्या कह रहा है, हम advise किसको करेंगे, we advise the hijacker to surrender to the police themselves, नहीं बोलेंगे, है ना, surrender किसको surrender कर दिया, खुद surrender themselves, तो हमें पता चल गया कि Q और S साथ में आएंगे, Q और S साथ में आएंगे, तो Q और S कहां पे साथ में, यहां साथ है, Q और S यहां साथ है, तो एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया, अब इन दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, तो क्या कह रहे हैं, वी एडवाइज किस चीज को, वी एडवाइज टू द पुलिस, है ना, अगर तुम इसके हिसाब से जाओगे आर के हिसाब से, तो वी एडवाइस किसको, पुलिस को, हमने पुलिस को थोड़ी एडवाइस किया है, ये वाला गलत हो गया, तो तीन एलिमिनेट हुए, यही आंसर होगा, बिना पढ़े ही ये आंसर होगा, फिर भी एक बार आइए वेरीफाई करते हैं, हमने एडवाइस किया किसको, हाईजैकर्स को, कि सरेंडर कर दे खुद को, देमसेल्फ, किसको सरेंडर करे, टू द पुलिस, तो आंसर इज सी, अगला क्वेश्चन देखिए ना, तो जब आपको ये करना आ जाएंगे तो एकदम आसान लगेंगे, आप इन्हें सेकेंड्स में बनाने लगेंगे, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपको ये करना आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स कार्स अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली विद नॉइजी एग्जॉस्ट, तो स्पोर्ट्स कार अपील, अच्छा अच्छा, अपील से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि अपील वर्ब है, ठीक है, तो अपील कह रहा है क्यों 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 क्यों, कोई है भी नहीं, तो हमें पता है कि सेंटेंस या तो आर से स्टार्ट हो रहा है या पी से, तो पहले आर पढ़ लेते हैं, स्पोर्ट्स कार नहीं, आर पढ़ लेते हैं, आर क्या है, अपील, पी क्यू आर, आई है टू सम मोटरिस्ट ओनली, टू सम मोटरिस्ट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, है ना, ये वाला सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो आर वाले काट डालो, अब आंसर या तो ये होगा या ये होगा, इन बच्चों की अंग्रेजी बहुत ज्यादा वीक है ना, वो ऑप्शंस दोनों चेक कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा, है ना, तो देखो पी के साथ एस लगाते हैं, स्पोर्ट्स कार्स, अब लगा देंगे एस, विद नॉइजी एग्जॉस्ट, ऐसी स्पोर्ट्स कार जो बड़ी आवाज करती हैं, जिनका एग्जॉस्ट बड़ा नॉइजी है, धुआं देती हैं आवाज के साथ, स्पोर्ट्स कार्स विद नॉइजी एग्जॉस्ट, तो पी और एस साथ में जा रहा है, अच्छा भाई पी क्यू जा रहा है के साथ में, स्पोर्ट्स कार्स अपील, अब पी के साथ तुमने लगा दिया क्यू, तो स्पोर्ट्स कार अपील करती हैं, है? स्पोर्ट्स कार अपील कर सकती है क्या, कोई लड़की है क्या स्पोर्ट्स कार, है ना, जो अपील करेगी, तो वो लिविंग तो है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या, एक ही बचा बी, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, अब जरा इसको वेरीफाई कर लो, स्पोर्ट्स कार, कैसी स्पोर्ट्स कार, जिनका नॉइजी एग्जॉस्ट हो, जिनमें आवाज बहुत तेज आती हो, नॉइजी एग्जॉस्ट हो, एग्जॉस्ट हो, पी एस के बाद लगाया क्यू, टू सम मोटरिस्ट ओनली, क्यू क्यू लगेगा, क्यू का मतलब होगा अपील, हाँ अपील, अपील का मतलब है अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट, ऐसी स्पोर्ट्स कार जिनके जिनमें आवाज ज्यादा होती है, अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली, वो सिर्फ कुछ ही लोगों को पसंद आती है, आंसर इज बी, बिल्कुल सही है भाई, आर लास्ट सेंटेंस हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 16,
He almost planned the entire strategy of the operation single-handed. अब एक बात याद रखिएगा, जब आप कहते हैं ना ऑलमोस्ट वर्ब, तो ऑलमोस्ट को जिससे पहले यूज करते हो ये उसको मॉडिफाई करता है, क्योंकि ये एडवर्ब है। ये सारी बातें आप एडवर्ब की क्लास में गहराई से जानेंगे, तब ये चीजें और आसान हो जाएंगी। तो अगर आपने कहा ही ऑलमोस्ट प्लान, तो उसका मतलब है उसने लगभग प्लान कर लिया था, है ना, उसने लगभग प्लान कर लिया था। तो एक बात तो तय हो गई कि ही से स्टार्टिंग होगी, है ना, ही से स्टार्टिंग होगी, तो ही से स्टार्टिंग है पी। अरे ये तो पप्पू क्वेश्चन था, ये पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पप्पू क्वेश्चन था, ये खत्म हो गया क्योंकि पी और कहीं है ही नहीं, है ना, देखते ही खत्म हो गया क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था, वेरीफाई कर लेते हैं। पी के बाद आर लगा दीजिए, पी कह रहा है ही और आर कह रहा है प्लान द एंटायर स्ट्रैटेजी ऑपरेशन। बिल्कुल सही बात है, उसने प्लान किया सारा सारा स्ट्रैटेजी ऑपरेशन। पी के बाद आपने लगाया आर कि उसने प्लान किया सारा स्ट्रैटेजी ऑपरेशन, ठीक है, ऑलमोस्ट, है ना, सिंगल हैंडेडली, सिंगल हैंडेड के लिए आया ऑलमोस्ट, लगभग अपने आप ही, तो अपने आप के लिए आया, सिंगल हैंड मतलब खुद किया, है ना, तो सिंगल हैंड के लिए ऑलमोस्ट आया है। और मैंने बताया था ये एडवर्ब है, जिससे पहले आता है उसको मॉडिफाई करता है, तो बिल्कुल सही है। पी आर क्यू एस बी इज द करेक्ट आंसर। पी क्यों होगा, बताया कि ही ने प्लान किया पूरा ऑपरेशन लगभग अपने आप, और इसलिए आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 17, अब कह रहा है दे शुड इम्प्लांट इन द माइंड्स ऑफ द यूथ चिल्ड्रन साउंड प्रिंसिपल। अब देखो यहां पे भी हमें सब्जेक्ट पता चल गया कि भाई पी से स्टार्टिंग होगी, दे है, तो पी हमें यहां मिला, पी हमें यहां मिला, ये हमने काट दिया, ये हमने काट दिया, है ना। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक पी आर क्यू एस और एक पी क्यू एस आर। तो पहले पी आर लगा लेते हैं। पी आर कह रहा है दे साउंड प्रिंसिपल, तो दे के बाद नहीं, पी आर होगा दे इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन, तो दे इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन तो कुछ नहीं होता ना, दे इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन कुछ नहीं होता, तो पी आर नहीं हो सकता। एक बार ये पढ़ के देखते हैं, पी दे क्यू शुड इम्प्लांट, सही है, एस साउंड प्रिंसिपल। साउंड प्रिंसिपल का मतलब है अच्छी बातें, अच्छे नियम, अच्छे तरीके, अच्छे सिद्धांत, कहां पे, इन द माइंड ऑफ द यंग चिल्ड्रन, तो ये सही तो है, पी क्यू एस आर। और एक बार फिर से हमने इन क्वेश्चन को एलिमिनेशन से कर दिया। आप देख रहे हैं मैं पढ़ने पे ज्यादा ध्यान नहीं लगा रहा हूं, मैं ज्यादा ध्यान लगा रहा हूं कहां पे, इन ऑप्शंस में खेलने में। तो अगर आपको ऑप्शंस, मैं पढ़ के इनको बिना ऑप्शंस के भी बना दूंगा, अगर ये ऑप्शन नहीं होंगे मुझे तब भी पता है कि ये ऐसे ही जाएगा, दैट दे शुड इम्प्लांट साउंड प्रिंसिपल्स इन द माइंड ऑफ यंग चिल्ड्रन। तो ये तब होगा जब आपकी रीडिंग स्पीड बहुत बढ़िया होगी, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होगी। बट मैं आपको बच्चों की तरह इन क्वेश्चंस को करना सिखा रहा हूं, जैसे स्टूडेंट्स करते हैं जिनकी इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। इजिएस्ट वे यही है कि आप एलिमिनेशन करें, इजिएस्ट वे यही है कि आप ऑप्शंस के क्लोज जाएं और जो नियर जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसके लगा के निकल जाए, ठीक है। इससे ऐसा भी होगा कि आपका कोई ऑप्शन ना मिस नहीं होगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना हिसाब से आंसर लगा रहे होते हैं पर ऑप्शन कुछ और ही कह रहे होते हैं, ठीक है। कभी कभी ये तुम्हें बेस्ट ऑप्शन नहीं देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके प्यार में, When I was a young student, I learned swimming at the age of 15 of class 10th in a government school. तो अब देखो यहाँ पे दो चीजों से स्टार्टिंग हो सकती है। When I was a student, ये भी I learned swimming at the age of 15, दोनों से स्टार्टिंग हो सकती है। तो स्टार्टिंग P से भी हो सकती है और Q से भी हो सकती है। तो यहाँ पे P से भी दे रखी है और Q से भी दे रखी है, पर R से नहीं हो सकती ना। आज तो कह रहा है ऑफ क्लास 10, तो ये एक एलिमिनेट हो गया, मतलब क्वेश्चन अभी डिफिकल्ट है। लेकिन दो ऑप्शन मेरे पास क्यू के बाकी हैं, दो ऑप्शन किसके बाकी हैं, क्यू के बाकी हैं। तो जिसके ज्यादा ऑप्शन होते हैं पहले मैं उससे ट्राई करता हूं, तो पहले मैं क्यू से ट्राई करूंगा। तो क्यू क्या कहता है, क्यू कहता है आई लर्न स्विमिंग एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में मैंने स्विमिंग सीखी। अब क्यू के बाद पी मैंडेटरी लगा हुआ है, दोनों में पी मैंडेटरी लगा हुआ है, तो एक बार पी को पढ़ लेते हैं।
तो पी क्या कह रहे हैं, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, बिल्कुल सही जा रहा है, कब का, ऑफ क्लास टेंथ। तो ये बात को तय है कि ये दोनों साथ में आएंगे, पी और आर साथ में आएंगे, क्यों, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट सिर्फ क्लास टेंथ का ही हो सकता है और कहीं नहीं जा सकता, तो पी और आर हमें मिल गया, मैंडेटरी पेयर, मैंडेटरी पेयर। तो पी आर कहां कहां है, पी आर यहां भी है, बहुत शानदार, पी आर यहां भी है और कहीं नहीं है, ठीक है। तो जिस ऑप्शन को हम समझ रहे थे ये वाला एलिमिनेट हो गया है क्योंकि इसमें मैंडेटरी पेयर पीआर नहीं है। अब हमारा रुझान इधर की तरफ आ गया, इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, तो पीआर व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, क्यू आई लर्नड स्विमिंग एट द एज ऑफ 15 इन अ गवर्नमेंट स्कूल, ये कोई बात नहीं है ना। आप कह रहे हो कि मैंने जब मैं क्लास 10th का स्टूडेंट था मैंने 15 साल की उम्र में गवर्नमेंट स्कूल में कोई स्विमिंग नहीं सीखता है ना, क्यू और एस लास्ट में नहीं आ सकता, तो ये एलिमिनेट हो गया, आंसर एक ही बचा सी, ठीक है। अब जरा पढ़ के देख लो सी क्या कहता है, पहले वो कहता है क्यू, क्यू का मतलब है आई लर्न्ड स्विमिंग एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में मैंने तैरना सीखा, क्यू, क्यू के बाद उसने कहा पी, कब, जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, जब मैं क्लास 10th का स्टूडेंट था, तो पी क्यू के बाद आपने लगाया आर, और लास्ट में कौन कहां पे था स्टूडेंट, इन अ गवर्नमेंट स्कूल, एस आ गया, पी क्यू आर, वो क्यू पी आर एस, आंसर इज सी, ठीक है। तो उसको कहीं कहीं आपको घुमाया जाएगा पर अल्टीमेटली एंड में सफलता आपके चूम लेगी अगर आप दिमाग लगाए रखेंगे, क्या कदम, अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी आता है इसमें से, तुम अगर इन क्वेश्चंस को गूगल मारोगे तो देखोगे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, ज्यादातर क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस में पूछे जा चुके हैं, तो अगर किसी को लग रहा है सर बड़े आसान पूछ लिए तो ये मेरी गलती नहीं है, सीडीएस और एनडीए भी बहुत आसान पूछ रहा है, बस तुम्हें पढ़ाया इतना बढ़िया गया कि तुम्हें आसान लग रहे हैं, आज से पहले तो ना बना पा रही थी तुम ये। चलो क्वेश्चन देखो, शी हैज मोर इंटेलिजेंस, उसके पास ज्यादा अकल है देन वी सस्पेक्टेड हर टू पजेस, जितना हमने सोचा था, मतलब तुम्हें लगा कि लड़की तो गधी है पर ये निकली, मिलने के बाद तुम्हें पता चला आई ला ये तो घोड़ी है ना, तो क्या बोला, शी हैज मोर इंटेलिजेंस, उसके पास ज्यादा इंटेलिजेंस है देन वी सस्पेक्टेड टू पजेस, जितना मैंने सस्पेक्ट किया था कि उसके पास होगी, तो मुझे तो कोई गलती नहीं लग रही, मुझे लग रहा है पी क्यू आर एस इसका आंसर होगा, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है यही लगा दीजिए, चलिए फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं, ये तो तरीका होता है मर्दों की तरह क्वेश्चन करने का है ना, अब एक बच्चों की तरह भी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो बच्चे कहते करते हैं क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं शी हैज मोर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, क्यू वाला काट देती हूँ, क्यू वाला मैंने काट दिया, इंटेलिजेंट से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा आर से, तो ये भी मैंने काट दिया, अब मेरे पास बचा देन वी सब्जेक्ट हर, सो देन देन से कैसे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, तो ये भी नहीं आएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये तरीका था छोटी बच्ची वाला क्वेश्चन करने का है ना, और नहीं तो आपने पूरा पढ़ा समझे, और आप ऐसे भी कर सकते हैं जब क्वेश्चन एकदम आसान और पप्पू हो उस केस में। अगला क्वेश्चन देखिए, दिमाग लगाइए और कुछ दम लगा के कुछ बनाकर बताइए, द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स वर जेलस ऑफ द फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अरे भाई बहुत बसड़ है, आइए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं, क्या आर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, आर कह रहा है पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, हो भी सकता है, क्या पी से होगा द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, भाई बिल्कुल सही बात है पी से भी हो सकता है, क्या एस से सेंटेंस स्टार्ट होगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एस से भी हो सकता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इससे भी हो सकता है ना, क्यू से होगा, क्यू क्या कहता है पॉपुलैरिटी, नहीं क्यू कहता है, अच्छा आर कहता है वर जेलस ऑफ द, आर कहता है वर जेलस ऑफ द, तो इससे तो नहीं होगा, फाइनली हम एक एलिमिनेट कर पाए। अच्छा अब जरा इसको ना मैच करने की कोशिश करते हैं, एक मैंडेटरी पेयर बनाते हैं, वर जेलस ऑफ द पॉपुलर, अब देखो जेलस आदमी किससे होगा, वर जेलस ऑफ द, तो दा और दा, दो दा तो आएंगे नहीं साथ में, वर जेलस ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, तो हमें ये बात पता चल गई कि क्यू और पी साथ में है ना, वर जेलस ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, तो क्यू और पी, क्योंकि किससे जेलस था वो पॉपुलैरिटी से इंडियन इंडियन टेक्सटाइल की, तो क्यू और पी साथ में आ गए, पी थोड़ी है ये, क्यू और आर है,
यह आर और यह है क्यू, आर क्यू साथ में आएंगे, ये आर है और ये क्यू है, तो आर और क्यू साथ में आएंगे, आर क्यू ये रहे, आर क्यू ये रहे, आर क्यू यहां देंगे, हुआ फायदा, एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे, ठीक है भाई। अच्छा अब इन दोनों को देख लेते हैं, तो पी और आर अगर आप साथ में लगाएंगे क्या कहेगा, द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर वर जेलस ऑफ, वर जेलस ऑफ इसे, वर जेलस ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो जा तो रहा है, एक बार एस के लगा के देखते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बड़े शुरू से ही बात है, पी द ब्रिटिश, द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर, पी पी के बाद आपने लगाया आर, वर जेलस ऑफ द पॉपुलैरिटी, तो ये वाला सेंटेंस ज्यादा बढ़िया है, ऐसे स्टार्टिंग होगी, एस पी आर क्यू, जब आपने कहा ना यहां से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग का मतलब है कि आप एक टाइम बता रहे हैं, तो ये बेसिकली एडवर्ब फ्रेज है ना, और ये बता रहा है किसके लिए आया, इनके लिए आया, द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए, है ना, सो बिल्कुल शुरू से की बात कर रहे हैं, जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे वो हमेशा से चलते थे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, कि इनके पास बड़े बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं, सी इज द करेक्ट। ये नया तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें आप ज्यादा ध्यान लगाएंगे, पहले क्वेश्चन देखिए फिर उसको समझने की कोशिश करिए, ये वाला पोर्शन इसमें ऑलरेडी गिवन है, मिस्टर जॉन, तो ये वाला पोर्शन सबसे पहले आएगा, ये स्टार्टिंग है और ये पहले से गिवन है। अब बचे के बचे हुए नीचे के चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, मतलब चार सेंटेंसेस, चार पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, जैसे हमेशा होते थे। इसमें एक चीज ऐड कर दी है कि शुरू में दे रखा है, कहने का मतलब है इसमें स्टार्टिंग यही है मिस्टर जॉन, यहीं से। अब मिस्टर जॉन में आप हु घुसाएंगे, मिस्टर जॉन में आप चार्ल्स घुसाएंगे, मिस्टर जॉन में एज ए सन घुसाएंगे या अडॉप्टेड घुसाएंगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे मिस्टर जॉन आपके पास गिवन है, ये आपके पास गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, इसके अंदर आपको ये ऐड करके बनाना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, 10 सेकंड्स फॉर यू। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपको कॉमनली देखने को मिलते हैं, जहां पे क्या होता है कि एक सेंटेंस या एक पोर्शन शुरू में दिया होता है, जैसे यहाँ पे मिस्टर जॉन दिया हुआ है, तो मिस्टर जॉन के साथ अब आप क्या लगा सकते हैं, मिस्टर जॉन हु वाज हार्डली 6 months old, जो मुश्किल से 6 महीने का था, तो मिस्टर जॉन भी कह रहे हो बच्चा भी बना रहे हो, ऐसा हो जाएगा क्या है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके साथ पी तो नहीं आ सकता, तो पी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। अच्छा चार्ल्स आ सकता है, मिस्टर जॉन चार्ल्स, मिस्टर जॉन चार्ल्स, ये क्या बात है, चार्ल्स उनका आगे का नाम है क्या, मिस्टर जॉन चार्ल्स नहीं समझ में आ रहा, तो अभी इसे छोड़ देते हैं, पी क्यू, मिस्टर जॉन एज हिज सन ये भी नहीं है, पर मिस्टर जॉन के साथ अडॉप्टेड बिल्कुल सही आ रहा है, एस बिल्कुल सही आ रहा है, तो मुझे तो लग रहा है ये वाला आंसर हो सकता है, आइए एक बार इसको चेक करते हैं, है ना, क्यू तो वैसे मिल जाएगा, एज हिज सन, मिस्टर जॉन एज हिज सन डज नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है, सो मिस्टर जॉन एडॉप्टेड, सही है, क्या क्यू लगाएंगे, क्यू क्या है, एज हिज सन, नहीं हाँ सही है, यही सही है, अरे यार क्या है ये, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन के बाद आपने कहा एडॉप्टेड, तो एस से स्टार्टिंग हो गई, इसको चार्ल्स, चार्ल्स है क्यू, एस क्यू, अब आया आर, चार्ल्स, आर क्या कहता है, आर कहता है एज हिज सन, कैसे, जो कि 6 महीने का था तभी एडॉप्ट कर लिया, तो एस क्यू आर पी बिल्कुल सही जा रहा है, और कुछ भी लॉजिकल बन नहीं रहा, आर अगर साथ में आएंगे नहीं, है ना, आर आर कहता है एज ए सन, और फिर कह रहा है अडॉप्टेड, एज ए सन अडॉप्टेड कुछ नहीं होगा, है ना, पी आर भी मैंडेटरी पेयर नहीं बना रहे, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी।
क्लियर है। तो ये क्वेश्चन एकदम आसान वाले हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अब आपको स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट मिल गया होगा, इसका स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट मिल गया होगा, टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसिल्यूजमेंट, गलत हो गया, द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही बात है, आर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, सॉरी एस से, द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। तो आर क्या कहता है, डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट प्रोड्यूस्ड, तो आर से स्टार्टिंग नहीं होगी, टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट, पी से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, एसी से स्टार्टिंग होगी, क्वेश्चन खत्म हो गया। एक बात याद रखिएगा, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनकी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, जिनकी लैंग्वेज इजी होती है उनके ऑप्शन टिपिकल होते हैं, तो इनके ऑप्शन इतने आसान दे रखे हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आप एस पी आर क्यू लगा के देख लीजिए, एस कहता है द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो असफलता थी किस चीज में, पी पी में, पी क्या कहता है, टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट प्रोड्यूस्ड, है ना। तो किस चीज की टू एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट नहीं करते थे किसी भी जरूरी, किसी भी जरूरी, तो एस के बाद आपने लगाया पी, किसी भी जरूरी डिमांड को जो कि नेशनलिस्ट प्रोड्यूस करते थे, मतलब वो लोग जो देश के लिए लड़ रहे थे उस समय, अगर वो कोई भी डिमांड अपनी आगे रखते थे, ब्रिटिश सरकार उसको नहीं मानती थी, है ना। तो एस पी के बाद आपने आर लगा दिया, जो बिल्कुल सही गया, तो कुछ भी लगते थे डिमांड फॉर द नेशनलिस्ट, तो इससे क्या होता था, प्रोड्यूस डिसइल्यूजनमेंट, तो इससे क्या होता था, डिसइल्यूजनमेंट आता था। डिसइल्यूजनमेंट का मतलब है कि जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो देश के लोग थे, उनका भरोसा नहीं होता था ब्रिटिश सरकार पे और लोगों पे, है ना। तो इसलिए एस पी आर क्यू ही सही आंसर हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 23, एक दो क्वेश्चन बचे और फिर उसके बाद हम सीधे वोकैब करने जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, मुझे लगता नहीं कि पूरे 2 घंटे चलेगी, अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लंबा है लेकिन इसके ऑप्शन एकदम फुद्दू है। अगर ये एक स्टार्टिंग सेंटेंस पी से दे देते, एक ऐसा सेंटेंस दे देते जो पी से स्टार्ट हो रहा होता, मतलब एक ऐसा ऑप्शन दे देते जो पी से स्टार्ट हो रहा होता, तो यहाँ पे मोहम्मद इकबाल से लोग कंफ्यूज हो जाते। इकबाल जानते हो, मोहम्मद इकबाल जिसने वो गाना लिखा है, जिसने वो लिखा है सॉन्ग, तारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, ये इकबाल नहीं लिखा। तो मोहम्मद इकबाल से आप शुरुआत कर नहीं सकते क्योंकि पी नहीं दे रखा, तो आप छोड़ दीजिए। तो आप किससे स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्या नाम है उनका, मोहम्मद इकबाल, सबसे बड़े पोएट्स में से एक मॉडर्न इंडिया के, मतलब जब भारत आजाद हो रहा था, आजाद हो रहा था या हो चुका था उन दिनों के, तो वो कौन थे, मोहम्मद इकबाल। तो भैया एस और पी आ गए साथ में, एस पी साहब देख लो कहां पे है, एस पी यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दो बचे। तो क्या हम आर से स्टार्ट कर सकते हैं, आर कहता है प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड, वन ऑफ द, प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड का मतलब हो जाएगा जो बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस्ड किया, या मतलब पता नहीं क्या, तो उससे स्टार्टिंग नहीं हो सकती है ना, कॉम्प्लिकेट हमें नहीं करना है, ये भी एलिमिनेट हो गया, आंसर हमारा तंतना के बी आ गया, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे, एस के साथ आया पी के, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, कौन है, मोहम्मद इकबाल, फिर उसके बाद आ गया आर, आर ने कहा प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड, कि उन्होंने असर डाला, इन्फ्लुएंस किया, किन लोगों को इन्फ्लुएंस किया, क्यू को, मतलब द फिलोसफिकल एंड रिलीजियस आउटलुक ऑफ द पीपल, जो लोगों का फिलोसफिकल, फिलोसफिकल का मतलब होता है जहां पे आप फिलोसफी लगाते हैं ना, लॉजिक लगाते हैं, विजडम लगाते हैं, फिलोसफिकल मतलब उन्होंने धर्म को और फिलोसफी को साथ में जोड़ा,
उनको उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी दुनिया को कि धर्म भी फिलोसफिकल होता है, उसके पीछे एक फिलोसफी होती है, एक रीजन होता है, एक लॉजिकल होता है, जिस वजह से उसे हम फॉलो करते हैं या करते हैं। ठीक है, चलिए। खासतौर से ये काम उन्होंने मुस्लिम्स के लिए किया था और बहुत समझाने की कोशिश की है उन्होंने मुस्लिम्स को कि बहुत सारी चीजें तुम गलत करते हो जो तुम्हें नहीं करनी है। मतलब ऐसे समझ लो जैसे स्वामी विवेकानंद ने हिंदूज के लिए बहुत काम किया और उन्होंने हिंदूज की एजुकेशन के लिए, वैसे उन्होंने सभी के लिए काम किया। मेरे कहने का मतलब है वो चाहते थे, मैंने एक बार उनका बर्थडे था तो द हिंदू एडिटोरियल में उनके स्वामी विवेकानंद के बारे में एक आर्टिकल आया था, इसमें लिखा था कि वो ही वॉज अ वेरी मॉडर्न पर्सन और वो बहुत ही ज्यादा खुली विचारधारा के एकदम ओपन माइंडेड थे और उनकी सोच, वो अलग बात है कि वो रामकृष्ण परमहंस के मतलब डिसाइपल थे, पर एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी मॉडर्न एंड इवन रामकृष्ण परमहंस जो थे वो भी ऐसा नहीं था, वो ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, बट ही वॉज वेरी मॉडर्न। किसी के कपड़ों को देख के अगर आप उसे मॉडर्न नहीं मानते तो आपने गांधी को भी नहीं समझा, समझ रहे हैं। तो सेम इज विद इकबाल, तो इकबाल वॉज ऑल्सो अमंग दोज पीपल के जिन्होंने एक स्पेसिफिक कम्युनिटी पे काम किया, इसलिए काम किया कि इनका दिमाग थोड़ा खुल जाए, ये अच्छा सोचने लगे और एजुकेटेड हो जाए। द सेम इज विद स्वामी विवेकानंद, द सेम इज विद सर सैयद अहमद खान। तो ये वो लॉबी थी यार, इसका बड़ा अफसोस है। ये जो लोग थे ना, ये जैन थे इंडिया के, और अब ऐसे मुझे लगता है लोग ही नहीं दिखते, बहुत ही कम लोग ऐसे दिखते हैं जो सच में ऐसा कुछ करना चाहते हैं या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो भाई, ये भी वही वाला क्वेश्चन है, मैनी पीपल ऑलरेडी गिवन है, ये वाला पोर्शन इसमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, इसी से आपको कनेक्ट करना है बाकी पोर्शन को। एक पोर्शन इसमें ऑलरेडी गिवन है, अब आप कहेंगे मैनी पीपल इनऑडिबल टू अदर्स, बहुत से लोग दूसरों के, अच्छा देखिए ऑप्शंस में देखेंगे तो क्यू, हाँ पी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, एस एस आर क्यू, तो एस से हो सकती है, आर से हो सकती है, तो एक बार हम आर पढ़ लेते हैं। मैनी पीपल सफर परसिस्टेंट नॉइज, हाँ हो सकता है भाई, अच्छा मैनी पीपल के साथ एस विद हियरिंग प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है विद हियरिंग प्रॉब्लम। क्यू मैनी पीपल इन द ईयर्स और हेड, अब ये तो नहीं होगा ना कि बहुत सारे पीपल जो सर में है और कानों में है, तो भाई ये क्यू से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। फाइनली एक ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पाए। अब मैनी पीपल, अब हमें पता नहीं चल रहा कि क्या होगा, बट ये बात समझ में आ रही है विद हियरिंग प्रॉब्लम, जिनके साथ हियरिंग प्रॉब्लम होती है वो सफर करते हैं, तो एस और आर साथ में आ रहे हैं, एस और आर साथ में आ रहे हैं, ठीक है। तो एस आर कहाँ कहाँ है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, एक ही मैंडेटरी पेयर से क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए जरा क्या कह रहा है, मैनी पीपल, ये पहले से दिया हुआ है, मैनी पीपल ऐसे लोग जो विद हियरिंग प्रॉब्लम, जिनके पास हियरिंग प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं, आर, आर क्या कहता है, आर कहता है सफर परसिस्टेंट नॉइजेस, उन्हें लगातार नॉइजेस आती है, लगातार परसिस्टेंट नॉइजेस आती है, कहां पे, पी एस आर आपने लगाया क्यों, इन द ईयर एंड हेड, दिमाग में उनकी आवाजें गूंजती हैं, कान में आवाज गूंजती हैं, कैसी आवाजें, इनऑडिबल टू अदर, जिसको दूसरे नहीं सुन पाते। कई बात है जिनको हियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, ये होता है। तो भाई ये थे क्वेश्चंस आपके पी क्यू आर एस के, तो आपको मुझे ये भी बताना है कि आपको पी क्यू आर एस के क्वेश्चंस में कितना कॉन्फिडेंस आया। तो हमने यहाँ पे लगभग 14 क्वेश्चंस किए हैं, तो आपको मुझे इसका भी स्कोर बताना है, मतलब 14 में पी क्यू आर एस आप कितने लगा पाए। ये ज्यादातर पी क्यू आर एस आपके सी डी एस और एन डी ए लेवल के थे, मतलब सी डी एस लेवल के थे बेसिकली, तो आपको ये भी देखना है कि आप कितने लगा पाए, कितने कर पाए, ठीक है, ताकि आप ये एकदम आसान नहीं लेके आऊँ मैं, इसी तरह के आते हैं आपके। चलिए अब हम चल रहे हैं वो कैप के सफर पे, ठीक है। तो वो कैप का सफर है, पहला फिल इन द ब्लैंक है, जल्दी से करके दिखा दीजिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बस इसमें ग्रामर भरनी है, कभी कभी वोकैब भी भरनी होती है।
हाँ भाई, ही मे नॉट कम बट वी विल गेट रेडी इन केस ही डैश. तो ही मे नॉट कम का क्या मतलब है? ही मे नॉट कम का क्या मतलब है? शायद वे नहीं आए. ही मे नॉट कम बट वी विल गेट रेडी इन केस ही डैश. तो ही मे नॉट कम यहां तक तो ठीक है, शायद वे नहीं आए, बट वी विल गेट रेडी इन केस ही डज. अगर वह आ गया तो. इन केस ही मे अगर लिखोगे तो आगे एक वर्ब चाहिए होगी, इसलिए ये गलत है. ही विल लिखोगे तो भी आगे वर्ब चाहिए होगी, गलत है. शैल भी नहीं, तो डज अपने आप में एक वर्ब है ना. कहते हैं डज को हम ऐसे भी यूज करते हैं ना, जैसे तो कोई तुमसे कहे कि आई डोंट लाई, लेकिन तुम कहो शी डज, लेकिन ये तो बोलती है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं. तो आंसर इसमें हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. He is quite dash. You can never count him. तुम उसको कभी count him का मतलब है trust him. In matters of secrecy, secrecy के matter पे इस पे trust मत करना. तो इसका मतलब negative sentence आएगा. He is unjust का मतलब होता है unfair. तो इससे कोई मतलब नहीं कि वो unfair है. Unbearable का मतलब होता है intolerable. जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है. Inefficient का मतलब होता है जो efficient नहीं हो, जो कि क्या बोलते हैं एफिशिएंसी जिसकी कम हो, काम बढ़िया से करके नहीं देता हो, तो इसको भी नहीं कर सकते आप. सिक्रेसी से कोई मतलब नहीं है. सिक्रेसी से मतलब है रिलायबिलिटी का. अनरिलायबल है, अनरिलायबल का मतलब है जिस पे भरोसा नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी ट्रस्टेड. तो भाई ऑप्शन तो इनमें से भी कोई आ जाता है यहाँ पे, लेकिन बेहतरीन और सच्चा मीनिंग जो आगे सिक्रेसी से भी मैच करता, वो सिर्फ डी ऑप्शन ही दे रहा था. तो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. सिंगल फिलर्स हैं ये, सिंगल फिलर्स. इनको करने के लिए आपको आगे और पीछे दोनों का देखना पड़ता है. ऐसे नहीं है भैया कहीं भी कुछ भी घुसा दिया. द गवर्नमेंट विल डैश द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द 35 न्यू मिनिस्टर्स एट 9:30 PM. तो द गवर्नमेंट विल डैश द ओथ ऑफ, तो ओथ को क्या किया जाता है, कॉन्फर नहीं किया जाता, ओथ को प्रेजेंट भी नहीं किया जाता, ओथ को एडमिनिस्टर किया जाता है. अब ये चीज तुम कहां से सीखोगे? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो आपकी रीडिंग अच्छी होती है. ये आज की पूरी क्लास रीडिंग पे बेस्ड थी. अबाउट टू और गोइंग टू वाले क्वेश्चंस भी है ना, PQRS भी, और ये क्वेश्चंस भी. ये मैंने क्लास इसलिए भी रखी है बीच में कि अगर अभी भी तुम में से कुछ बच्चे सो रहे हो और रीडिंग नहीं कर रहे हो, तो जाग जाओ और रीडिंग शुरू कर दो, नहीं तो काम ये दिक्कत होती रहेगी. तो एडमिनिस्ट्रेटर का क्या मतलब होता है? द गवर्नमेंट विल एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर द ओथ का मतलब है कि ध्यान देगी, देखेगी, ओथ दिलवाएगी ऑफ द ऑफिस टू द 35 न्यू मिनिस्टर्स का 9:30 PM कल. एंड एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी चीज को चलाना, तो उससे भी मतलब नहीं. एग्जीक्यूट मतलब डू, करना किसी चीज. क्वेश्चन नंबर 29. अच्छा, बोइंग इस ऑपोनेंट का क्या मतलब है? बू, जैसे तुमने देखा होगा ना WWE में होता है कि कोई बढ़िया रेसलर है ना, तो मतलब उसको अप्रिशिएट कर रही है क्राउड, कोई घटिया है उसको बू, तेरे बस की नहीं है, तुम बेकार है, ये वो. तो ये क्या कह रहा है कि ही डैश सून हैट द क्राउड. क्राउड को क्या कर देगा? बूइंग इज ऑपोनेंट. इसके क्राउड क्या कर रही होगी? इसके ऑपोनेंट को बू कर रही होगी, मतलब उसको चढ़ा रही होगी, मॉक कर रही होगी, मॉक और इंसल्ट कर रहे हो. ठीक है, तो उसका ऑडिशन से थोड़ी होगा, उसके ओरेटरी से हो सकता है. ओरेटरी का मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग. पब्लिक में बोलने की कला, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, मंच लूट के ले जाते हैं ना, अपोनेंट रहते ही नहीं है, तो ये उसी की बात कर रहा है. एरोगेंस का मतलब क्या होता है? एरोगेंस का मतलब होता है तुम्हारा घमंड, ठीक है. ऑडेसिटी मतलब बोल्डनेस. ठीक है भाई, तो आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 30. जल्दी जल्दी करेंगे, अब टाइम है कम, क्वेश्चन है ज्यादा. अभी 40 क्वेश्चन है लगभग, तो
वी आर स्टिल लेफ्ट विद 10 क्वेश्चंस। तो कह रहा है दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन विच लेफ्ट हिम, तो ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसे कुछ नेगेटिव करेगा, डिस्कवरिंग नहीं करेगा। ऑब्वियस का मतलब होता है कि आप क्लियर हैं किसी चीज के बारे में, कॉन्फिडेंट हैं, तो इससे भी मतलब नहीं है। ग्रॉपिंग, ग्रॉपिंग का मतलब होता है टटोलना, जैसे तुम्हारे तुमने बैग में कुछ हाथ डाला, देख रहा कहाँ है, मिल नहीं रहा, जैसे मैंने अपनी जैकेट में हाथ डाला, मिल नहीं रहा, जेब में डाला, कुछ हाथ नहीं आ रहा, ग्रॉप करना, सर्च करना, वैसे करके, है ना। तो आंसर इज सी, ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी। तो हमें पता है आंसर इसका सी हो गया, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 31, अथॉरिटी डैश व्हेन इट इज नॉट सपोर्टेड बाय द मोरालिटी, बाय द मॉरल प्योरिटी ऑफ इट्स यूजर। आगे की बात समझा करिए, इन सारे क्वेश्चंस में आपको ब्लैंक ना देख के आगे की बात देखनी है। अथॉरिटी डैश भूल जाइए, व्हेन इट इज नॉट सपोर्टेड, जब उसे सपोर्ट नहीं किया जाता, बाय मॉरल प्योरिटी ऑफ इट्स यूजर। मॉरल कहने का मतलब है कि जो कोई भी अथॉरिटी है, मतलब हमारी मान ली सरकार है तो हमारे ऊपर एक अथॉरिटी है, पुलिस हमारे ऊपर एक अथॉरिटी है, लॉ हमारे ऊपर एक अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी के साथ यहाँ पे कुछ होता है, क्या होता है ये नहीं पता, कब होता है, when it is not supported, जब उसे सपोर्ट नहीं किया जाता by the moral purity of its users। तो उसके यूजर्स कौन है, हम खुद हैं। अगर हमारे खुद के अंदर सिद्धांत नहीं है, हमारे खुद के अंदर नैतिकता नहीं है, हमारे खुद के अंदर मॉरल प्योरिटी नहीं है, तो क्या होगा, अथॉरिटी मतलब पुलिस, लॉ, पॉलिटिशियन के साथ भी क्या होगा, वो क्रम्बल्स। क्रम्बल्स का मतलब होता है शेक, फॉल, कोलैप्स, ठीक है, फॉल्स, शेक्स, कोलैप्सेस। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि भाई अथॉरिटी भी गिर जाएगी, क्रम्बल हो जाएगी, कब, अगर उसे सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अगर पुलिस वालों को हम ऐसे कहते हैं हाँ कुछ भी करो, मॉरल को काउंट ही ना करें, तो पहले हमें मॉरली ठीक होना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। वेट से कोई मतलब नहीं है। प्रिवेल्स का मतलब होता है कि वो तरक्की करे, रूल करे, रूल करे, ओवरकम करे चीजों को, ठीक है। और एंटेल्स का मतलब होता है कंटिन्यू करे, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए इसलिए मैं कहता हूँ रीडिंग इंपॉर्टेंट है, अगर रीडिंग नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाओगे, आसान आसान क्वेश्चन होंगे समझ में नहीं आएगा, इतने आसान वर्ड हैं सारे, अप्रूवल, एक्स्ट्रावेगेंट, अनसेवरी, नहीं आएंगे समझ में। क्यों नहीं आएंगे, रीडिंग ही नहीं करी कभी, देखा ही नहीं, पहले बार देखो है, का अप्रूवल का हमें ना पता, सुने हैं अप्रूवल तो सुने हैं, का अप्रूवल का होता है, तो ये तभी होगा जब तुम रीडिंग नहीं करते हो, इसलिए रीडिंग करो, इतने ज्यादा अनअवेयर भी मत जियो। तो बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रावेगेंट हैबिट्स He could not save much money. ज़्यादा पैसे नहीं बचा पाया, क्योंकि कौन है वो, extravagant. Extravagant कौन होता है? Spendthrift. Spendthrift कौन होता है? खर्चीला. Prodigal. है ना, खूब दबा के खर्च करता है। Frugal कौन होता है? Miser. Niggard. Parsimonious. क्रूज, ये सारे कंजूस होते हैं। अनसेवरी का मतलब होता है जो खाने में अच्छा नहीं हो, है ना, फ्लेवर अच्छा नहीं हो, बैड आपको पता ही है, तो आंसर हो जाएगा ए। बहुत सारे वर्ड्स ऑफ वोकैब भी मिले हैं आपको आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 33, चलिए लग जाइए काम पे, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। Creative people are often dashed with their own uniqueness. Creative people जो होते हैं वो अक्सर कैसे होते हैं? Obsessed हो सकते हैं, है ना, positive आए, क्योंकि creative people है और uniqueness की बात हो रही है, positive word आएगा तो dissatisfied नहीं होगा, ना positive negative देखो इन questions में, unbalanced नहीं होगा, दोनों negative words हैं। Deranged का मतलब होता है arrange और deranged, तो वो deranged का मतलब होता है chaotic, या कह सकते हो unmannered, तो ये भी नहीं होगा। ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड का मतलब क्या होता है? डेस्परेट, कीन, ईगर,
उतावला होना तो ये एकदम मैनिक, पागल होना, फ्रीक, ये सारे सिनोनिम्स हैं। तो ये पागल होते हैं। क्रिएटिव पीपल आर ऑफन ऑब्सेस्ड किसके विद देयर ओन यूनिकनेस, के इनके अंदर जो भी चीज होती है अलग अलग सी उसी को लेके पागल होते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। तो भैया हाँ अभी तो नहीं आए डबल वाले, थोड़ी देर में डबल फिलर शुरू हो जाएंगे आपके, पता है ना आपको। स्पीडिंग एंड ब्लॉकिंग आर ट्रैफिक ऑफेंसेस। स्पीड से चलाना और ब्लॉक करना मतलब कहीं भी गाड़ी रोक देना, ये क्राइम है ऐसे जो ट्रैफिक में हम लोग करते हैं। विच लीड टू, जिससे क्या होते हैं, ट्रबलसम मतलब परेशानी देने वाले एक्सीडेंट। तो परेशानी देने वाले ना बड़ा लाइट वर्ड है, ये लाइट वर्ड है तो ये नहीं हो सकता। फाइनल एक्सीडेंट कुछ नहीं होता। ग्रेट एक्सीडेंट क्या, वो व्हाट अ ग्रेट एक्सीलेंट एक्सीडेंट, ये तो नहीं हो सकता पॉजिटिव वर्ड एक्सीडेंट के साथ। बचा क्या, ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब होता है ऐसा जिसपे बड़ा, जो बड़ा मनहूस हो, रेच, ग्रूसम, ग्रिसली, डरावना कह सकते हो, टेनिब्रिफिक, टेनिब्रस, टेनिब्रिफिक, टेनिब्रस, ग्रिसली, ग्रूसम, ग्रोटेस्क, मतलब कुछ बहुत ही भद्दा अजीब सा, कुछ मनहूस, सॉम्बर, सॉम्बर भी आता है, सेपल्कर, ये सारे के सारे मनहूस के सिनोनिम है कुछ बहुत बुरे के, ग्रूसम के सिनोनिम है ना। ग्रोटेस्क का मतलब थोड़ा सा अजीब होता है, वियर्ड। ग्रोटेस्क का मतलब होता है ऑकवर्ड। इसके लिए एक वर्ड होता है बिजार, बी आई डबल जेड ए आर ई, बिजार, ऑकवर्ड, ग्रोटेस्क, ऑड, स्ट्रेंज, ये सारे के सारे सेम होते हैं। तो ये एक कैटेगरी हो गई, ये एक कैटेगरी हो गई, बहुत सारे वर्ड मिल गए आज। वो क्या आप रजिस्टर फिल करते रहिए अपना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाला, सिंगल फिलर का, इसके बाद डबल फिलर शुरू हो जाएंगे। तो भैया क्वेश्चन कहता है अ रियली सोफिस्टिकेटेड पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो सच में सोफिस्टिकेटेड है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है तमीज है, जिसे है ना, मैनर्स है, अच्छा इंसान है। वुड नेवर बी डैश इनफ टू थिंक दैट ही इज ऑलवेज राइट, तो वो हमेशा ये नहीं, वुड नेवर बी डैश इनफ, नेवर बी रेवरेंट का मतलब होता है जब आप किसी को इज्जत देते हैं, तो इज्जत से कोई मतलब नहीं है, है ना। रिस्पेक्टेड इनफ, Never be respected enough to think, है ना, वो कभी respect नहीं करेगा, नहीं होगा, है ना। Naive, naive का मतलब होता है सीधा साधा, भोला भाला, है ना, innocent basically, innocent, या आप ये भी कह सकते हैं थोड़ा सा stupid या dull, तो ये वाला आंसर आ सकता है कि वो dull, वो इतना dull कभी नहीं होगा। एक sophisticated person जो ध्यान से चलता हो, चीजों का ध्यान रखता हो, वो इतना बेवकूफ कभी नहीं होगा कि वो सोचे मैं हमेशा सही हूं, तो ये वाली बात जा सकती है। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, गुड एट स्पीकिंग, जो बोलने में बड़ा अच्छा है, डिलीवर करने में चीजें बड़ा अच्छा है, अंदाज़े बयां जिसका बहुत अच्छा है वो आर्टिकुलेट है। हम्बल का मतलब पोलाइट होता है, आप जानते हैं, तो इस सबसे कोई मतलब नहीं है। आंसर नाइव ही होगा, नाइव मतलब सीधा साधा, भोला भला, बी, है ना। तो कभी इतना स्टूपिड, इतना डल वो नहीं होगा कि सोचे अरे मैं हमेशा सही हूँ, कौन, जो सोफिस्टिकेटेड आदमी होगा, जैसे अमिताभ बच्चन को लोग बड़ा सोफिस्टिकेटेड कहते हैं, तो अमिताभ ये नहीं सोचेगा अरे मेरे सारे डिसीजन सब बढ़िया कराए मेरे जिंदगी में, मैं तो चमचमाता हुआ करियर है मेरा, सुपर स्टार ऑफ द मिलेनियम हूँ, ऐश्वर्या राय हमारे घर में है, ठीक है, और भैया और क्या चाहिए, अभिषेक बच्चन हमारा लड़का है, जया बहादुरी हमारी बीवी है, बहुत कुछ हम जीवन में किए हैं, ऐसे नहीं सोचता कोई भी सोफिस्टिकेटेड आदमी, ये मतलब था सेंटेंस का। So he used to dash the point that victory in any field needs dash courage. So courage कैसा होना चाहिए? Little courage होना चाहिए क्या? Double वालों को बता रहा हूँ कैसे करना है। Little courage होना चाहिए क्या? Little तो नहीं होना चाहिए courage. तो इससे तो सही क्या? Formidable का मतलब होता है जो डरे ही नहीं, तो ये हो सकता है formidable courage. Enormous का मतलब होता है huge, तो ये भी हो सकता है, चलो है ना। तो इसके बेसिस पे एक कटा, अब इसके बेसिस पे काट दो। He used to dash the point. He used to emphasize the point. तो ये तो पहले ही कट चुका है। He used to stress the point, ये हो सकता है। He used to dismiss the point, dismiss का मतलब होता है cancel, वो cancel करता था point, तो ये तो नहीं होगा, ये भी eliminate हो गया। तो पहले मैंने courage के लिए देखा यहाँ पे क्या आ सकता है, फिर यहाँ पे देखा, इस तरीके से eliminate किया,
अब ही डिस्ट्रैक्ट द पॉइंट, तो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करता पॉइंट को, आंसर खत्म हो गया, एलिमिनेशन से आ गया, किससे आ गया, एलिमिनेशन से आंसर आ गया मेरे चीते, एलिमिनेशन से। सो ही यूज्ड टू स्ट्रेस, वो जोर दिया करता था किस पॉइंट पे, कि किसी भी चीज में अगर तुम्हें विक्ट्री चाहिए, जीत चाहिए, तो तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, कैसी, एग्जाम्पलरी, ना एग्जाम्पल लोग देखे यार क्या हिम्मत दिख रही है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, मोर इज डैश ऑफ कंडीशंस ऑफ द ट्राइबल्स इन महाराष्ट्र देन डैश कंडीशन ऑफ दोज इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो महाराष्ट्र की कंडीशन से दूसरे पार्ट की कंट्रीज का कंपैरिजन हो रहा है, तो मोर इज सर्टेन ऑफ द कंडीशन, मतलब बहुत ज्यादा पता है सर्टेन ऑफ द कंडीशन, कोई मैटर नहीं करता, तो मोर इज नोन ऑफ द कंडीशन, ये सही है, ये बहुत ज्यादा पता है ट्राइबल की कंडीशन के बारे में महाराष्ट्र की, इतना दूसरे पार्ट में जहां ट्राइबल है उनका नहीं पता, तो ये आंसर हो सकता है। मोर अवेयर, मोर इज अवेयर नहीं हो सकता, मोर इज अवेयर्ड हो सकता है, या मोर आर, या मोर इज अवेयर नहीं हो सकता, ये वर्ब गलत है यहाँ पे, अवेयर फर्स्ट फॉर्म नहीं आती इसके बाद, या तो आई एन जी या थर्ड फॉर्म, तो ये भी गलत हो गया। मोर इज फेवरेबल ऑफ कंडीशन, तो ये भी हो सकता है, तो ये दो ऑप्शन बचे हैं। अब जरा दूसरे पे आ जाओ ना, मोर इज नोन ऑफ द कंडीशन ऑफ द ट्राइबल इन महाराष्ट्र देन ऑफ द कंडीशन ऑफ दोस्त, तो ये तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। अब जरा इसको भी देख लेते हैं, मोर इज फेवरेबल ऑफ द कंडीशन ऑफ ट्राइबल्स इन महाराष्ट्र देन दोस कंडीशन ऑफ दोस्त, दोस कंडीशन ऑफ दोस्त, दोस कंडीशन ऑफ दोस्त ने इसको गलत कर दिया, आंसर हो गया बी। तो भाई अगर नहीं भी मीनिंग आता है, नहीं भी कर पाते हो, तब भी एलिमिनेशन सहारा है, कमजोर का सहारा एलिमिनेशन। अरे एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लड़कियों से सीखो तुम एलिमिनेशन, जानते हो ना कैसे करती है। ओके, ये चार मेरे पीछे हैं, तो ये मुझे पढ़ाई में बहुत दिक्कत देता है, और तो ये हट जा, ये ओपन माइंडेड नहीं है, ये मुझसे मेरी लोकेशन पूछता है, दिमाग खराब करता है, इसने बहुत खून पिया है, हट जा, ये इसकी शक्ल ही अच्छी नहीं है, और अमीर तो ही जीवन में कभी होगा नहीं, तो भी हट जा, ये अच्छा है, जरस भी नहीं बोता जीवन में, ठीक है, अपने करियर पर भी ध्यान देता है, मेरे करियर पर भी ध्यान देता है, यही सजना है। तो तीन एलिमिनेट हुए तो चौथा मिला, ऐसे तुम्हें यहाँ पे करना है, एलिमिनेशन कर दोगे ना तो जीवन आसान हो जाएगा, तो जहां भी तुम्हें कब समझ में नहीं आया एलिमिनेशन करा करो। ही हैज डैश सेंस ऑफ वर्ड, तो कौन सा सेंस हो सकता है ना, मीनिंगफुल सेंस ऑफ वर्ड हो सकता है, ठीक है, टेरिफिक कुछ नहीं हो सकता, टेरिफिक का मतलब है जबरदस्त सेंस ऑफ वर्ड, ये कोई हिंदी में हम बोल सकते हैं, इंग्लिश में टेरिफिक सेंस ऑफ वर्ड नहीं होता। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है डिस्टिंग्विश्ड, फेमस, अलग, तो फेमस सेंस ऑफ वर्ड भी नहीं हो सकता। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, डीप सेंस ऑफ वर्ड यहाँ पर सबसे बढ़िया लगा मुझे, ठीक है, तो ये हमारे पास दो बचे, एक मीनिंगफुल सेंस ऑफ वर्ड और एक ये वाला सेंस ऑफ वर्ड। देयरफॉर द सेंटेंस दी कंस्ट्रक्ट, इसलिए वो जो सेंटेंस बनाता है और ऑलवेज कैसे होते हैं, फुल विद रिच मीनिंग, ऑलवेज फुल विद रिच मीनिंग, बहुत ही मीडियोकर है, इसे हम यूज नहीं करेंगे, ऑलवेज प्रेग्नेंट विद रिच मीनिंग, यही सही होगा। प्रेग्नेंट का मतलब होगा भरा हुआ, फिल्ड, फिल्ड फुल नहीं कहेंगे, फिल्ड होना चाहिए था यहाँ पे तो भी चले जाता, तो फिल नहीं कहेंगे, फिल्ड अगर होता हम इसे सोच सकते थे, आंसर यहाँ पे एक होगा, ए होगा, क्योंकि प्रोफाउंड यहाँ पे परफेक्ट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, और इसके बाद हम करेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन। तो कह रहा है दो हिज चार्जेस आर डैश, दो हिज चार्जेस आर डैश, तो चार्जेस कैसे हो सकते हैं, चार्जेस हिम्मत वाले तो नहीं हो सकते, चार्जेस हाई हो सकते हैं, चार्जेस नेग्लिजिबल भी हो सकते हैं, ना के बराबर, और चार्जेस एग्जॉर्बिटेंट भी हो सकते हैं, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है ह्यूज, बहुत ज्यादा, इनॉर्मस, तो एक ही एलिमिनेट कर पाए हैं। दो इज चार्जेस आर डैश, द सर्विस इज प्रोवाइडेड इज ऑफ अ डैश क्वालिटी, दो का यूज किया है, दो का मतलब सर्विस बहुत अच्छी नहीं होगी, चार्जेस चार्जेस से ऑपोजिट में होगी, तो अगर चार्जेस नेग्लिजिबल हैं तो सर्विस ज्यादा अच्छी होनी चाहिए थी, नॉमिनल नहीं होनी चाहिए थी सेंटेंस के हिसाब से, क्योंकि दो लगा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑपोजिट वर्ड चाहिए हमें, एंटोनिम जैसा कुछ चाहिए, है ना। अब हाई अगर सर्विस है तो क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं हो सकती ना, दो क्यों कहेगा, या तो वो कहेगा हिज चार्जेस आर, दो हिज चार्जेस आर, अच्छा अच्छा हाँ सही है, दो हिज चार्जेस आर हाई, उसके चार्जेस तो ज्यादा है,
द सर्विस प्रोवाइडेड, जबकि उसके सारे ज्यादा हैं लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, तो ठीक है भाई सी ही आंसर होगा सी। अगर आप इसमें ए लगाएंगे तो उसका मतलब होगा चार्जेस तो बहुत ज्यादा है, है ना। द सर्विस प्रोवाइडेड इज ऑफ कंज्यूमेबल का मतलब है बस तुम इसे खा सकते हो, तो ये है तो क्लोज। लेकिन दो का मतलब ना एकदम विपरीत नहीं होता, दो का मतलब होता है हालांकि, एडिशनली, है ना। दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि इसका मीनिंग होता है। तो यद्यपि उसके चार्जेस तो हाई है लेकिन क्वालिटी भी बढ़िया देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इज सी। एंड हियर वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लेट्स डू इट फास्ट। आखिरी क्वेश्चन, तो आखिरी क्वेश्चन कहता है द अरेस्टेड पर्संस वर, द अरेस्टेड पर्संस वर डैश इन द कोर्ट, सो वर डिमांडेड इन द कोर्ट, वर क्वेश्चन इन द कोर्ट, वर टेकन टू, वर टेकन इन द कोर्ट नहीं होगा, टेकन टू द कोर्ट होता है, तो वर प्रोड्यूस इन द कोर्ट ये भी हो सकता है। प्रोड्यूस इन द कोर्ट का मतलब होता है कि कोर्ट में किसी को आरोपी साबित करना, ठीक है। सो वर डिमांडेड, डिमांड किया गया उन्हें कोर्ट में, एंड डैश इन, एंड परसुएडेड, परसुएड का मतलब क्या होता है, रिझाया गया, तो रिझाया नहीं हो सकता, जुडिशियल कस्टडी में रिझाया नहीं जा सकता। एंड सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब है जुडिशियल कस्टडी में पुलिस लेके गई और इसको वहीं पे सजा दे दी, फांसी दे दी, तो ये भी नहीं हो सकता। कहते हैं ना सेंटेंस टू डेथ, सजा नहीं दी जा सकती जुडिशियल कस्टडी में, तो एक ही बचा प्रोड्यूस। तो द अरेस्टेड पर्सन जो था उसे प्रोड्यूस किया गया कहां पे, कोर्ट पे, मतलब उसकी पेशी हुई कोर्ट में, और ये बताया गया कि देखो भाई ये है आदमी, इसको अरेस्ट हमने किया है, और बहुत सारे प्रूफ उसके खिलाफ मिल गए। अब वो क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उस प्रूफ को, सो रिमांडेड इन दी जुडिशियल कस्टडी, तो उसकी सुताई हुई जुडिशियल, मतलब रिमांड पे लिया गया, ही इज दी करेक्ट आंसर। रिमांड पे तुम्हें पता ही है क्या होता है। तो भाई ये हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चंस थे, और आज की क्लास में मैंने आपको तीन तरह के क्वेश्चंस कराए हैं। टेंसेस सारे खत्म हो गए हमारे डिटेल में, पी क्यू आर एस भी आज हम समझ गए हैं। मुझे जरूर बताइएगा कि पी क्यू आर एस के कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगे, क्या आप अब कॉन्फिडेंट हैं पी क्यू आर एस के क्वेश्चंस करने में, और मुझे ये बताइए कि जो 15-14 क्वेश्चंस मैंने पी क्यू आर एस के कराए हैं उसमें आपका स्कोर कैसा आया। इसके बाद मैंने आपको वोकैब करने का भी तरीका सिखाया कि कभी कभी अगर वोकैब अच्छी नहीं है तभी भी आप क्वेश्चंस कैसे कर लेते हैं। उम्मीद है क्लास में मजा आया होगा, जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।